एक्सपीरियंस मिलेगा प्रॉपर स्ट्रक्चर कोर्स फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स यूल बी रिसीविंग अर्सन एंड अनिवाइडेड अटेंशन फ्रॉम ऑल द टॉप एजुकेटर्स आउट देर दिस बैच प्रमोट क्लास टेन्थ एज वेल एज क्लास ट्वेल्थ एवरी बड़ी फोर्टी फाइव डेज चैलेंज है जनवरी टेंथ से ये बैच स्टार्ट हो रहा है ओनली एंड ओनली एट जनकपुरी एंड एंडमी नोएडा सेंटर एवरीबॉडी क्लास में आपको साइंस मैथ इंग्लिश और सोशल स्टडीज कवर अप होगी और अगर मैं क्लास ट्वेल्थ की बात करूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश आपकी कवर अप कराई जाएगी तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है यू गाइज ऑफ वेरिंग फॉर जल्दी से जाइए ज्वाइन इन कर लीजिए ये तो हुआ ऑफलाइन के बारे में अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो बोर्ड बूस्टर कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है ओनली एट सी स्पेशल एवरीबॉडी जहां पर आपको हर एक चैप्टर के

राइट right, तो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीबॉडी तो सबसे पहले हमारे पेर ऑफ लीनियर इक्वेश में ऑलरेडी के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अबाउट दी लीनियर इक्वेश लीनियर इक्वेश क्या होते हैं हाउ डज इट वर्क लेकिन अब हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू में। अब हम क्या बात करने वाले linear equation, two variables के बारे में कि जब आपके पास कोई linear equation given है और उसमें अगर दो वेरिएबल आते हैं सबसे पहले तो बात कर लेते हैं linear का मतलब क्या होता है कौन बताएगा मुझे जल्दी जल्दी से बता दो वॉट डू यू गाइज मीन बाय द टर्म लीनियर लीनियर टर्म से आप क्या समझते हैं वॉट डू गाइज अंडरस्टैंड बाय द टर्म लीनियर वेरी नाइस nice. जिस भी बच्चे के दिमाग में आंसर आया तो एब्सोल्युटली करेक्ट एवरीबॉडी लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री हाइएस्ट डिग्री जो है वो वन के इक्वल है राइट आई डो नो वाई दिस लाइन इज कमिंग जिसकी हाइएस्ट डिग्री जो है वो वन के इक्वल है दैट इज नोन एज योर लीनियर इक्वेशन तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसकी हाइएस्ट पावर वन हो वो आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाती है ठीक है लीनियर इक्वेशन सॉर्टेड है लीनियर इक्वेशन सभी को समझ में आ गया अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है तो कोई भी एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें आपके दो वेरिएबल्स का यूज हो रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर ए एक्स क्वल टू जीरो पर आप देख सकते हैं x की जो हाइएस्ट पावर है अब आपको यह पता करना है ये लीनियर इक्वेशन तो है क्या ये टू वेरिएबल है वन वेरिएबल है नो no वेरिएबल है ये कैसी इक्वेशन तो अभी आप यहां पर देख सकते हैं ए एंड बी आर The coefficients of are uh, the coefficients of x and y respectively, and c is the constant here, everyone. ये चीज़ आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इन विच ए एंड बी आर दी दफीशियंट्स जहां पर ए और बी कफिशियंट्स हैं सी आपका कॉन्स्टेंट टर्म है और एक्स और वाई आपके टू वेरिएबल्स है ये जो बार बार आप बड़ा बड़ा देखते हो जो पढ़ते हो जो चैप्टर का नाम गिवन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो इन टू वेरिएबल्स का मतलब ये है कि एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें आपके दो अलग अलग वेरिएबल्स का यूज हो रहा हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स इज वन वेरिएबल वाई इज योर सेकेंड वेरिएबल ए एंड बी आर है आपका टू वेरिएबल्स विद डिग्री वन आप देख सकते हो यहाँ एक्स की भी पावर है यहाँ पर और Y की भी पावर वन है यहाँ पर समझ में आ रही है बात इतना क्लियर हुआ कहीं कोई कंफ्यूजन है कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं आई एम देयर टू क्लियर इट अप एवरीबॉडी आई गेस अभी ठीक आएगा हैंडराइटिंग अभी लाइन नहीं आएगा आई होप सो रेस्ट आई डोंट नो चलो लेट्स टेक फाउंडेशन फाउंटेन पेन चलो ऑल राइट आई होप इतना क्लियर है किसी को कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है सभी को क्लियर हो गया हाई अथर वेलकम टू द क्लास होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी लेट्स मूव फर्दर आगे बढ़ते हैं और एक इक्वेशन एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं जिससे हमें और बेटर वे में चीजें समझ में आ जाए ठीक so, है सो अब यहाँ पर देख सकते हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएवल टू फाइव राइट एंड एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं टू एक्स प्लस थ्री वाई अगेन लाइन इज कमिंग एंड नो इट इज है टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव यहाँ पर आपके पास गिवन है राइट एवरी बारी अभी यहाँ पर ये आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है सिमिलरली ये जो आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो ये भी आपकी जो इक्वेशन थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में है येस और नो एवरी वन तो अभी हम बोलेंगे ये आपकी दो लीनियर इक्वेशन लाइक दो अलग अलग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है बेसिकली इन टू वेरिएबल्स जहां पर आप देख सकते हो कि आपका एक्स का कफिशियन जो है एक्स का कफिशियंट जो है दैट इज टू वाई का कफिशियन जो है दैट इज थ्री आई डोंट नो दिस इज कमिंग अगेन एंड अगेन जस्ट अ सेवरी वन एक्स इज इक्वल टू टू एवरी बड़ी वाई इज इक्वल टू वाई का कफिशियन जो है दैट इज थ्री दिस इज बेसिकली द कफिशियन नॉट द वैल्यू टू डोंट बी गेट कंफ्यूज

जहां पर सी क्या है सी इज योर कॉन्स्टेंट टर्म समझ में आई बात ऐसा नहीं है बच्चा आई डोंट नो वाईट इज हैपनिंग देर इज़ समथिंग ये लास्ट क्लास में भी हो रहा था आई लास्ट माई टीम टू फिक्स दिस इशू आप बट ठीक है अभी क्लियर हो गया इतना सभी को समझ में आ गया पेर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या सिस्टम है दैट टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव और एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री इज अ पेर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर अब आप चाहो तो ये फाइव को भी इधर शिफ्ट कर सकते हो जिससे कि आपकी वो फॉर्म जो है जनरल फॉर्म एक्स प्लस वी वाई प्लस सी की फॉर्म में हो जाए तो ये क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन टू एक्स प्लस थ्री वाई फाइव इज इक्वल टू जीरो दिस इज योर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन चलो क्लियर हो गया अथर अथर अगर आप क्लास में पहली पहली बार आए हो ड नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल और वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ बिकॉज यूल लव एंड सपोर्ट लिटरली लिटरली मीन्स अलॉट टू अस ऑल राइट डू शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स आउट देर एंड डू आस्क दे क्लास डो नॉट वर्गे टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल राइट चलो तो फिर इसी के साथ भर जाते हैं आगे की तरफ लेट्स मूव फर्दर एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे हमें और बेटर चीजें समझ में आ जाएंगी आई आई होप एंड आई विश की अब ये लाइन बार बार ना आए जस्ट अ सेकेंड आई विश फिंगर्स क्रॉस की अब ये लाइन ना आए अगर मैं ब्रश लेती हूँ वेरी बड़ा ब्रश वो भी आएगा ना वेलकम ओके लेट्स ट्राई कि अभी ना आए यह लेट्स रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन और हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है क्वेश्चन हाउ वी कैन हेल्प इन दिस क्वेश्चन रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड एंडेज टू पेंसिल्स एंड थ्री इरेजर्स फॉर रूपीज नाइन ठीक है बहुत ही अच्छी बात है रोमिला अपने स्टेशनरी uh, शॉप पर गई जस्ट अ अड आज ये पेन थोड़ा दिक्कत दे रहा है चलो कोई बात नहीं बड़े-बड़े शहरों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं राइट तो रोमिला एक स्टेशनरी शॉप पर गई जहां पर उन्होंने दो पेंसिल और तीन इरेजर खरीदी नाइन की ध्यान से समझिएगा रोमिला एक स्टेशनरी शॉप पर गई जहां पर उन्होंने 2 पेंसिल्स और 3 इरेजेस खरीदी ₹9 की हर फ्रेंड सोनाली 100 द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल्स जस्ट अ सेकंड ओके

अलग अलग चीजें गिवन है एक आपके पास पेंसिल गिवन है और एक आपके पास इरेजर्स गिवन है तो लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स बी एक्स और इसी तरीके से हमने इरेजर्स की मान ली एंड कॉस्ट ऑफ इरेजर्स कॉस्ट ऑफ इरेजर्स बीवाई और हमने कॉस्ट ऑफ इरेजर मान लिया बच्चा पार्टी वाई सॉर्टेड है क्लियर है कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं लेट मी चेंज अ कलर ओके अब क्या कह रहा है ये कि रोमिला ने कितनी खरीदी पहले ये लिख लेते हैं रोमिला परचेज रोमिला परचेज एवरीबडी टू पेंसिल्स एंड थ्री इरेजर दैट मीन्स टू पेंसिल मतलब टू एंड थ्री इरेजर दैट मीन थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन कितने रुपए की खरीदी रोमिला ने नाइन रुपीज की खरीदी उसने टू पेंसिल्स एंड थ्री इरेजर्स टू पेंसिल्स उसने खरीदी और थ्री इरेजर्स उसने खरीदी नाइन रुपीज की इसी तरीके से अभी हम सोनाली का डेटा निकाल लेते हैं सोनाली ने कितने रुपीज का क्या क्या लिया तो सोनाली ने लिया फोर पेंसिल दैट इज फोर एक्स और सिक्स इरेजर दैट इज सिक्स रुपीज तो आपके पास ये डिफरेंट दो इक्वेशंस आ गई जिसको आप सॉर्ट कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो एंड यू गाइस कैन रिप्रेजेंट इट एज वेल तो आप चाहो तो इस इक्वेशन को जैसे रिड्यूस कर सकते हो सेकेंड इक्वेशन को क्योंकि आई कैन सी इन दिस इक्वेशन फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू एटीन है तो आई कैन टेक टू कॉमन वेरी वेरी इजिली राइट यहां से हम इजिली टू को कॉमन ले सकते हैं अगर आप टू को कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 2x 3y 9 राइट एवरीवन समझ में आ रही है चीज कहीं पर अटक रहे हो कहीं पर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो यस yes, बच्चा अथर्व एब्सोल्युटली करेक्ट इट इज डिविजिबल बाय 2 बिल्कुल सही चलो बताओ समझ में आया कहीं कोई दिक्कत वाली बात कहीं कोई डाउट वाली बात है तो पूछ लो आई होप्स क्लियर हो गया है कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है पक्का श्योर अब इसको आप एलजेब्रिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे लेट मी टेक बोथ ऑफ दिस इक्वेशन टूवर्ड्स माय न्यू पेज कॉपी कर लेते हैं और यहां पर कर देते हैं इसको पेस्ट क्लियर हो गया अथर को चलिए बहुत ही बढ़िया बात है चलिए ये आपकी दो इक्वेशन थी एवरी वन अब आपको क्या करना है यू हैव टू प्लॉट दीज इक्वेशन ग्राफ पेपर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा एक्स और वाई बना लेते हैं आई डोंट नो वाई दिस लाइन इज अरिंग विदाउट एनी कॉन्सेप्ट चले तो हमने एक्स और वाई ले लिया तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट की बात करी हूं पहले यहाँ पर ठीक है जस्ट अ मिनट लेट मी राइट इट हियर पहले हम बात करेंगे इक्वेशन वन की I I don't don't know know guys why why this line is 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 coming coming. again and again and and it it literally very irritating. इतना क्लियर हो गया सभी को आपकी इक्वेशन वन हो गई अब आगे बढ़ जाते हैं एक एक्स का वैल्यू लेना है एक वाई का वैल्यू लेना है तो अगर मैं इक्वेशन वन में x इज इक्वल टू जीरो रख देती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी से बता दीजिए इक्वेशन वन में अगर मैंने x इज इक्वल टू जीरो रख दिया तो ये वाला टर्म पहले आपका पूरा जीरो हो गया थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन बचेगा और y इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा एवरी वन सॉर्टेड है तो यहाँ लिख देते हैं y की वैल्यू आ गई आपकी थ्री सॉर्टेड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू फोर पॉइंट फाइव ले लेती हूँ अगर मैं x की वैल्यू 4.5 पॉइंट फाइव ले लेती हूँ तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 4.5 पॉइंट फाइव इन टू दैट इज नाइन प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन तो अभी नाइन यहाँ पर आ जाएगा और थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो और y का वैल्यू जो आएगा दैट विल कम जीरो एवरी वन तो आपके यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स आ गए जीरो पर आपके दो कोऑर्डिनेट्स आ गए जीरो कॉमा थ्री एंड फोर कॉमा फोर पॉइंट फाइव कॉमा जीरो 4.5,0 ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स आ गए फॉर इक्वेशन वन. सिमिलरली विल टॉक अबाउट द इक्वेशन 2 एवरीवन सभी लोग मेरे साथ सॉल्व करेंगे और कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आई एम देयर टू क्लियर इट अप एवरीवन x और आई डोंट नो व्हाई दिस लाइन इज कमिंग अगेन एंड अगेन इट्स वेरी वेरी इरिटेटिंग xy चलिए अभी हमें यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन की बात करनी है तो सिमिलरली अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो रख देती हूँ तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी सभी लोग बताएं जल्दी से अगर जीरो वाई की वैल्यू कितनी तो हो जाएगी वा तो वा आपकी वाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी वन वाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी एवरीबॉडी वन तो यहां पर भी आपके दो कोऑर्डिनेट्स हो गए जीरो थ्री कॉमा वन एवरी वन सॉटेड है क्लियर है कोई कंफ्यूजन वाली बात कोई डाउट वाली बात तो आप पूछ सकते हो आई एम देयर टू क्लियर इट अप एवरी वन चलो जल्दी से बताओ क्लियर हो गया कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है पक्का श्योर तो फिर हमारे यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स आ गए जीरो कॉमा थ्री एंड थ्री कॉमा वन अब आपको क्या करना है अब आपको इन सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पर चलिए अथर्व ने मुझे बता दिया है थैंक यू सो मच अथर्व फॉर नोटिफाइंग कि आपको क्लियर हो गया है। ओके वी हैव टू मेक द ग्राफ हियर ओनली यहीं पर हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा तो चलिए लेट्स मेक द ग्राफ दिख रहा है आप सभी लोगों को अब ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगा बिल्कुल आपने ये ऑलरेडी क्लास नाइन्थ में काम किया हुआ है लेट्स ट्राई टू मेक द ग्राफ योर वेरी प्रॉपरली अब आप क्या करेंगे Zero, one, कि बस ये लाइन ना आए ताकि ग्राफ सही से बन जाए थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है यहाँ पर हो गया वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ हो गया आपका माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सिमिलरली माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री ऑल राइट अभी आपको क्या करना है यू हैव टू प्लॉट द पॉइंट्स हियर पहला क्या है आपके पास जीरो और थ्री जीरो इज हियर इन लाइक इन द ऑरिजिन और थ्री आपका वाई एक्सिस पर है तो आपका जो पॉइंट आएगा वो सम वॉट हियर यू विल गेट द पॉइंट एवरी वन

वेलकम टू द क्लास हेलो 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 तो अभी, अभी आप यहाँ पर जब लाइन ड्रॉ करोगे दिस इज योर लाइन फॉर द इक्वेशन वन ये आपकी लाइन आई एंड दिस लाइन इज फॉर योर इक्वेशन वन जो की थी आपकी टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन वन क्लियर है सॉर्टेड है अब हम प्लॉट करेंगे हमारी इक्वेशन टू का ग्राफ इक्वेशन टू के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है हमारे आर दी इक्वेशन टू के कॉर्डिनेटा थ्री एंड थ्री कॉमा वन तो जीरो मार्क् वन हमें मार्क करना है चलिए कर लेते हैं थ्री इज हियर वन इज हियर जस्ट अ सेकेंड थ्री इज हियर एंड वन इज अरे आई डोंट नो व्हाई दिस लाइन इज कमिंग जस्ट अ सेकेंड एवरी वन थ्री कॉमा वन विल बीर तो it will be something like this. आपकी लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी या सम लाइक दिस ये आपकी बन गई इक्वेशन टू की लाइन दिख रहा है आप सभी लोगों को दिस इज फॉर यूर इक्वेसन टू आई होप दिस ग्राफ इज क्लियरली क्लियर टू एवरी वन कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है कहीं पर कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं आई एम देअर टू क्लियर अप ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स एवरी बड़ी एक स्टार्ट ही हम एग्जांपल से लेकर कर रहे हैं हमने पार्ट वन में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि व्हाट आर व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है लीनियर इक्वेशंस आर द इक्वेशंस जिसमें हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल टू वन एवरीबॉडी राइट तो ये सारी चीज हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी जस्ट अ सेकंड एवरीवन लेट मी शिफ्ट माउस लिटिल हियर हां फाइन

जस्ट अट दस्ट ऑफ टू के जी एपल एंड वन के जी ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी वन सिक्सटी रुपीज ठीक है uh, कह रहा है कि की टू के जी एपल की कॉस्ट और वन के जी ग्रेप्स की कॉस्ट एक दिन पे फाउंड की गई रुपीज वन हंड्रेड एंड सिक्सटी बहुत बढ़िया बात है अब क्या कह रहा है आफ्टर अ मंथ एक महीने बाद फोर के जी एपल और टू के जी ग्रेप्स की कॉस्ट फाइंड की गई थ्री हंड्रेड रुपीज यू हैव टू रिप्रेजेंट दिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जोमेट्रिकली तो सबसे पहले एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चीज फाइंड आउट की लेट द कॉस्ट ऑफ एपल रूपीज एंड लेट द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स बाई रुपीज राइट तो जो चीज हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है इट गिवन हमें फिक्स वैल्यू तो नहीं पता है, तो उसको हम एक लेट कर लेते हैं तो क्या लिखेंगे यहां पर लेट द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल बी एक्स रुपीज ठीक है लेट द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल बी एक्स रूपीज ये सॉर्टेड है अब आगे बढ़ते हैं एंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स बी y cost of apple x rupees, cost of y x तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कोई शक बात नहीं अब आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बन रही है जो हमें एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है उसको हम क्या कर सकते हैं हाउ मेनी के जी ऑफ एपल्स आर देर टू के जी ऑफ एपल्स आर देर तो टू इन टू रुपीज दैट इज एक्स क्योंकि हमने एपल की जो कॉस्ट ली थी वो एक्स रुपीज ली थी प्लस ग्रेप्स कितने हैं ग्रेप्स थे वन के जी जिसकी कॉस्ट हमने बाई रुपीज ली थी तो इट विल बी वन वाई इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट जो आ रही थी दैट वॉज रुपीज वन सिक्सटी राइट सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज योर फर्स्ट इक्वेशन एवरी वन क्या समझे ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई समझ में आ गई बात कहीं कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं आई एम देयर टू क्लियर इट अप एवरी आई होप सबको क्लियर है अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ हम किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं फोर के जी ऑफ एप्पल्स एप्पल्स की कॉस्ट ली है आपने फोर एक्स फोर के जी है तो दैट मीन्स फोर इंटू कॉस्ट ऑफ एन एप्पल दैट वॉज एक्स तो फोर एक्स हो गया सिमिलरली टू के जी ऑफ ग्रेप्स है तो टू के जी ऑफ ग्रेप्स में क्या हो जाएगा टू इंटू ग्रेप्स का कॉस्ट क्या था दैट वॉज वाई और टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू दिस बी कंसिडर्ड एज एन इक्वेशन नंबर टू एवरी वन समझ में आई बात अब चाहो तो इक्वेशन नंबर टू में मैं देख सकती हूँ मुझे यहाँ पर टू कॉमन दिख रहा है तो आई कैन टेक टू एज अ कॉमन फैक्टर तो अभी अगर मैं यहाँ पर टू कॉमन ले लेती हूँ तो कितना हो जाएगा एक्स जस्ट अ सेकेंड इट विल बी टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड जिसको आप फर्दर लिख सकते हो यू कैन फर्दर राइट वाई इज इक्वल टू वन फिफ्टी विच कैन बी कंसिडर्ड एज योर सेकेंड इक्वेशन जो कि आपकी सेकेंड इक्वेशन कंसिडर्ड हो सकती है वन सिक्सटी चलो बताओ समझ में आई बात इतना सभी को क्लियर हुआ कहीं कोई दुख तकलीफ कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं आई एम देयर टू क्लियर अप ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर चलो बताओ इतना क्लियर हुआ कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कोई डाउट वाली बात नहीं है पक्का श्योर एवरीवन एक बार देख लो क्वेश्चन को स्टार्टिंग से एंड तक कहीं पर भी इक्वेशन हमने क्या किया अभी हमने एल्जेब्रिकली इसको आराम से रिप्रेजेंट कर दिया हमने क्या किया हमने एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया अब बारी आई ज्योमेट्रिकली की ज्योमेट्रिकली की आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे जो भी आपके पास दोनों इक्वेशन गिवन है जस्ट यू विल बी गेटिंग तो ऊपर था चलिए तो आपके पास जो भी इक्वेशन है एक इक्वेशन है आपकी 2x plus y is equal to 160 वन the other one इज 2x plus y is equal to 150 अब आपको क्या करना है इन दोनों इक्वेशंस में x की एक बार वैल्यू रखो y की एक बार वैल्यू रखो आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टेबल बनाऊँ x और y फॉर इक्वेशन वन इक्वेशन वन के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर फॉर इक्वेशन वन इक्वेशन वन है हमारी टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन सिक्सटी अगर मैं एक्स की वैल्यू बच्चा जीरो रख देती हूँ तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन सिक्सटी राइट और नॉट कोई दिक्कत वाली बात कोई डाउट वाली बात राइट right सॉर्टेड है अगर मैं एक्स की वैल्यू बच्चा टेन रख देती हूँ अगर मैं x की वैल्यू 10 रख देती हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी टू इन दैट विल बी 20 20 दैट विल गिव यू 140 तो ये आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए 160 0 एंड 160 एंड 10 एंड 140 जिसको ये आपके इक्वेशन वन के कोऑर्डिनेट्स आए हैं इसी तरीके से आप इक्वेशन टू के कॉर्डिनेट्स निकालेंगे एंड देन यू आर देन यू हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन ग्राफ फिर आप क्या करोगे फिर आप उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे वट द स्ट्रेट लाइन विल कम दैट विल बी योर फाइनल उटर कहीं पर कोई, कोई, कोई प्रॉब्लम तो आ रही है कहीं पर अटक रहे हो कोई चीज नहीं समझ में आ रही है और अगर आप इस सेशन को लाइव भी नहीं देख पा रहे हो कभी रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो आई विल लव टू क्लियर अपर डाउट ठीक है आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए आई एम देयर एवरी वन तो चिंता की कोई बात नहीं है चलिए तो फिर इसी के साथ भरते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बाकी का ग्राफ यू हैव टू मेक बायर सेल्फ लेट मी मेक अ ग्राफ फॉर यू ऑल जो कि आपको खुद बनाना है इक्वेशन वन के कोऑर्डिनेट्स में फाइंड आउट कर चुकी हूं इक्वेशन टू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कीजिए एंड सॉल्व इट अप एंड फाइंड अप द जस्ट मेक अप द ग्राफ एंड डू लेट मी नो हाउ द ग्राफ इज कमिंग द लाइंस आर कोइंसिडेंट द लाइंस आर इंटरसैक्टिंग ईच उदर और द लाइंस आर पैरेलल विद अदर आप लोग इसका ग्राफ बनाएंगे और इसका ग्राफ कैसा आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे डेन पक्का ओके चलो इसी के साथ पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ लाइंस पढ़ते हैं दिस इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बहुत फुल कंसंट्रेशन के साथ समझेंगे इस टॉपिक को कहीं कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं समझ रहे हो इट्स वन ऑफ द मोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेट मी मेक माई सेल्फ इट इल स्मॉलर हाँ जी अब पढ़ते हैं ध्यान से देखते हैं क्या कह रही है वी कैन नाउ समराइज द बिहेवियर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग मतलब क्या है इसका कि लाइन्स का बिहेवियर क्या है दैट मीन्स लाइन्स पैरल है लाइंस इंटरसेक्ट रही है या लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है इससे आप पता लगा लोगे कि उसके सॉल्यूशन का एग्जिस्टेंस कितना होगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा या कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे प्रेजेंट ये सारी की सारी चीजें आपको एक आइडिया लग जाएगा और आपको पता पड़ जाएगा समझ में आ गई बात कोई भी कंफ्यूजन है कोई भी डाउट है तो आप बता दीजिए सभी लोग होप इट इज क्लियर चलो द लाइन्स में इंटरसेक्ट इन सिंगल पॉइंट अब क्या कह रहा है? इन सिंगल क्या कर सकती है एक पे कर सकती है। पहली कंडीशन क्या कह रही है पेयर ऑफ इक्वेश सोल्यूशन अगर आपके पास कोई ग्राफ है और दो लाइन एक स्पेसिफिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि आपके पास एक यूनिक सोल्यूशन मतलब ओनली वन सोल्यूशन एक अलग से Ka, pair of equation, और उसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन वर्क अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करिए सिंगल पॉइंट पर देन इन दैट केस ऑफ इक्वेशन है यूनिक सोल्यूशन उस केस में हम क्या करेंगे कि उन दोनों पेयर ऑफ लाइन्स के पास एक यूनिक सोल्यूशन है समझ गए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं कोई डाउट वाली बात नहीं पक्का चलो इन द लाइंस में भी पैरेलल इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन अगर आपके पास कोई एक इस तरीके की लाइन है जिसमें आपकी दो लाइंस पैरेलल आ रही है मतलब दे आर नॉट मीटिंग ईच अदर वो मीट ही नहीं कर रही है आपस में द लाइंस आर कमिंग पैरेलल तो इस केस में द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट मतलब उसके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है क्या समझे अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल आ रही है दैट मींस इन दैट केस द इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन उस केस में इक्वेशन के पास कोई सल्यूशन ही नहीं होगा समझ में आई बात कोई कंफ्यूजन वाली बात कोई डाउट वाली बात तो आज बता दीजिए The lines may be parallel. In this case, the equations have no solution, inconsistent pair of solution. मतलब उसके पास एक inconsistent pair of solution होता है समझ में आ गई बात कहीं कोई दिक्कत वाली बात है तो आप पूछ सकते हैं The lines may be coincident. अब आप कह सकते हो कि आपके पास अगर दो lines है तो वो दो lines आपकी parallel हैं, तो मतलब नो solution होगा अगर वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होगा इस चीज को नोट डाउन कर लो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अपनी टिप्स पर लर्न होनी चाहिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है समझ गए तो नो सोल्यूशन होगा अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो यू विल बी गेटिंग अ यूनिक सोल्यूशन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन मतलब अगर टू लाइन आर को इंसिडेंट एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन फॉल कर रही है तो इसका मतलब है दैट पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीडर इक्वेशन इज हैविंग इनफाइनाइटली मेनी मेनी एवरीवन। अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन को कर रही है दूसरी लाइन फॉल कर रही है तो इसका मतलब है दैट पर्टिकुलर लाइन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के पास इनफाइनाइटली मेनी मेनी सोल्यूशन प्रेजेंट है समझ में आ गई बात डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन एवरी वन देखो अगर एक कोई भी लाइन को इंसिडेंट है इन दिस केस द इक्वेश मेनी सॉल्यूशन। लिख देती हूँ मैं Infinitely many solution ये ये तीन cases हैं आपको जो बिल्कुल अच्छी तरीके से learn करने लेकिन मैम पहचानेंगे कैसे मतलब हमें graph बना के ही देखना पड़ेगा क्या मैम इतना time नहीं होता कि हर एक pair of linear equation का बार बार graph draw किया जाए अगर बार बार graph draw करेंगे तो फिर problem हो जाएगी मतलब time waste हो जाएगा तो guys बार बार graph draw करने की कोई जरूरत नहीं है आप equations को देख कर ही पता लगा सकते हो वेदर दैट पर्टिकुलर इक्वेशन इज हैविंग अ यूनिक solution, infinitely many solution या फिर कोई सोल्यूशन ही नहीं नो no सोल्यूशन वो आपको लाइंस देखकर ही पता चल जाएगा कैसे वो हम आगे बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी भी मैं वापस से बोल रही हूँ अगर आपका कोई भी फ्रेंड है जो क्लास में अभी तक नहीं आया है अभी तक जिसने क्लास ज्वाइन नहीं करी है तो जल्दी से जाओ अपने फ्रेंड को बोल दो टू कम एंड टू जॉइन द क्लास एवरी ठीक है समझ गए सॉर्टेड कोई कन्फ्यूजन नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं पक्का इज इट क्लियर टू एवरी वन चलो बहुत ही बढ़िया वाली बात इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं और कुछ इक्वेशन से समझते हैं कि किस तरीके से क्या होने वाला है लाइन्स इंटरसेक्ट करी हैं तो हमें कैसे पता चलेगा सिर्फ इक्वेश्स को देख कर ही मैम आपने बताया कि सिर्फ इक्वेशन को देख कर ही हम पता लगा सकते हैं कि इक्वेशन जो है

ठीक है क्योंकि ये फॉर्म में नहीं था हमने इसको फॉर्म में लिख दिया सिमिलरली दूसरी इक्वेशन को हमने यहाँ कर दिया थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो ऑलरेडी फॉर्म में थी अब आगे बढ़ जाते हैं अब हम निकालेंगे एवन भाई एवन कितना दिख रहा है हमें यहाँ पर वन कफीशियंट होता है एवन बीवन ये सारे आपके कफिशियंट आप यहाँ पर लिखते हैं सीवन इज बेसिकली द कॉन्स्टेंट सीवन क्या है सीवन इज कॉल्ड एज द ऑफ द गिवन इक्वेशन एवरी वन सिंपल समझ गए बात को कोई कंफ्यूजन नहीं तो ए वन की वैल्यू आपकी वन आ गई ए टू की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं दैट इज माइनस का टू ए टू की वैल्यू क्या है एवरीबॉडी दैट इज माइनस का टू और अगर मैं सॉरी नहीं इट्स जस्ट अ मिनट की वैल्यू वन बी वन की वैल्यू इज माइनस का टू एंड सी वन का वैल्यू इज जीरो प्रॉब्लम कोई दिक्कत सॉर्टेड है बिल्कुल चले सिमिलरली इक्वेशन का फाइंड आउट करते हैं ए टू दैट इज थ्री B2 टू दैट इज फोर एंड C2 टू दैट इज माइनस का ट्वेंटी कोई कंफ्यूजन वाली बात अभी कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट है भाई पूछ सकते हैं आई एम देर टू क्लियर एट अप एवरी चलो जल्दी से बताओ कहीं भी कोई कंफ्यूजन है कोई चीज अटक रही है कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लीजिए मैं अभी आपका डाउट क्लियर कर देती हूं सभी लोग सोते थे क्लियर है बिल्कुल आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया चलो बहुत ही बढ़िया इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अब आप क्या करोगे यू हैव टू फाइंड ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू अगर आपको बिहेवियर चेक करना है लाइंस का वेदर इट विल बी इंटरसेक्टिंग पैरेलल और अ को इंसिडेंट तो इसके लिए आप क्या फाइंड आउट करोगे ए वन अपॉन ए टू फाइंड आउट करिए कितना है आपके पास दैट इज वन अपॉन थ्री ना यू हैव टू फाइंड बी वन अपॉन बी टू चलो फाइंड आउट करते हैं बी वन अपॉन बी टू दैट इज वॉट माइनस टू अपॉन फोर फाइंड आउट करते हैं सी वन अपॉन सी टू सी वन अपॉन सी टू दैट इज वॉट जीरो अपॉन माइनस ट्वेंटी तो आपको इसमें क्या दिख रहा है दैट ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू

यहाँ पर आपको मिलेगा आपका यूनिक सोल्यूशन एवरी वन सोटेज है कोई कंफ्यूशन वाली बात कोई डाउट वाली बात है तो इतने बता दीजिए दिस इज योर लाइक फर्स्ट केस जो कि आपको ऑन योर टिप्स लर्न होना चाहिए वॉट इज द फर्स्ट केस एवरी वन दैट एवन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू जिसमें आपको एवन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू आ गया दैट मीन्स ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है और जब भी आपकी दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती है एक यूनिक पॉइंट पर एक सिंगल पॉइंट पर तो आपको क्या मिलता है आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है आपको क्या मिलता है आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है एवरीवन समझ में आ गई बात कोई दिक्कत वाली बात कोई डाउट वाली बात प्लीज गो एंड आस्क आई एम देर टू क्लियर इट अप एवरीवन आई होप सभी को क्लियर हो गई है ये बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं कोई डाउट वाली बात नहीं चलो तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं लेट्स मूव फर्दर अब बात करते हैं जब लाइन्स करती हैं तो क्या बिहेवियर होता है लाइन्स का उसके कोऑर्डिनेट्स का हाउ द थिंग्स वर्क व्हेन लाइन्स कोइंसाइड राइट तब क्या करना चाहिए या क्या बिहेवियर होता है तो लेट्स चेक इट अप ध्यान से समझेंगे सभी लोग कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा चलिए तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं ए वन बी वन सी वन दैट इज टू थ्री एंड माइनस का नाइन सिमिलरली ए टू बी टू एंड सी टू जब आप ए टू बी टू सी टू फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा फोर सिक्स एंड माइनस का एटी कोई प्रॉब्लम ए वन बी वन सीवन है आपके पास टू थ्री माइनस का नाइन और ए टू बी टू सी टू है आपके पास फोर सिक्स और माइनस का एटी कोई कंफ्यूजन इतने पोर्शन में कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं आई एम देयर टू क्लियर इट अप एवरीबॉडी वेन द लाइन्स को इनसाइड जब लाइन्स को इंसाइड करती हैं इसका मतलब क्या है जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन फॉल करती है तो आपके पास होता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाला क्राइटेरिया राइट right? क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है लाइन के ऊपर लाइन फॉल कर रही है तो कितने सारे उसके सेम 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 पॉइंट्स होंगे राइट right? तो जब बहुत सारे सेम सेम पॉइंट्स होंगे दैट मींस कि उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे ले ये बात तो हो होगी लेकिन हम चेक कैसे करेंगे कि वेदर बस बस इक्वेशंस को देखकर कैसे हम चेक करेंगे कि हमारी जो लाइंस है वो को इन कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है या फिर पैरेलल है व्हाट एवर सिचुएशंस विल बी तो आप कैसे पता करेंगे वही सेम तरीका है बच्चा यू हैव टू फाइंड द सेम ए वन अपॉन ए टू दैट इज टू अपॉन फोर बी वन अपॉन बी टू दैट इज थ्री अपॉन सिक्स जिसको हम सिंप्लीफाई करके वन अपॉन टू लिख सकते हैं एंड सी वन अपॉन सी टू दैट इज माइनस नाइन अपॉन माइनस एटीन जिसको सिंप्लीफाई करके आप वन अपॉइंट टू लिख सकते हैं तो so अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू

ये आपको बस पेयर ऑफ लाइंस को देखकर पता करना है जब आपके पास तीनों वैल्यूज दैट इज एवन बी वन सी वन इज इक्वल एवन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू आ जाता है तो दैट्स इट यू गाइस हैव टू जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड चलो बताओ समझ में आई बात कहीं से कोई कंफ्यूजन है कहीं से कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं आई एम देयर टू क्लियर इट अप एवरी वन ईच एंड एवरी सभी को समझ आ गया है कोई कंफ्यूजन नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है पक्का श्योर एवरी वन गेम इज हम थम्स इन द चार्टॉक्स गेम इज हम यू योज इन द चैट बॉक्स इफ़ यू गाइज एन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं एक क्लियर और आइडिया मिल गया है एक क्लियर वर्जन मिल गया है तो आप मुझे बता सकते हैं ईच एंड एवरीबडी आउट देर कम ऑन आई होप सभी को एकदम अच्छे से क्लियर है कोई कन्फ्यूजन नहीं है कोई डाउट नहीं है पक्का

C1 is minus 4. A2 is 2. B2 is 4. And C2 is and everyone ठीक है Sorted है clear है अब हम क्या करेंगे वही सेम चीज लेट्स फाइंड ए वन अपॉन ए टू वन अपॉन टू लेट्स फाइंड बी वन अपॉन बी टू दैट इज टू अपॉन फोर दैट इज वन upon टू And let's find C1 upon C2 that is minus 4 upon minus 12 that is 1 upon 3. Now here you see what you guys can notice up here that A1 upon A2 is equal to B1 upon B2. बट नॉट इक्वल टू सीवन अपॉन सी टू तो जब यह केस आता है आपका जहां पर आपका एवन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सीवन अपॉन सी टू तो इसका क्या मतलब होता है कि जो आपकी लाइन्स होंगी दोज लाइन्स विल बी दी पैरल लाइन्स जिसका मतलब है नो no सोल्यूशन क्योंकि पैरल लाइन्स है दे आर नॉट मीटिंग ईच अदर तो सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं होगा दैट मीन्स देअर विल बी नो सोल्यूशन एवरी वन समझ में आया आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो दैट ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट इट इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तो इस केस में ये होगी आपकी पैरेलल लाइन तीस विल बी योर पैरल लाइज एवरी वन समझ में आ गई बात कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई डाउट कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए आई एम देर टू क्लियर अप ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स आई होप इट इज क्लियोर गि मी सम्स इन द चैट बॉक्स एवरी वन जिससे प्योर मैम को भी एक क्लियर वर्षन मिल जाए कि हाँ मेरे बच्चा पा रही इसको सब कुछ सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है यू गाइज अगेनिंग द थिंग्स क्लियोरली दिस डू लेट मी नो एवरीबडी एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिए सभी बच्चा पा सो so दैट मुझे एक बार कंफर्मेशन मिल जाए आपको समझ में आ रही है चीजें चलो आई गेस सभी को समझ में आ गया है वेरी नाइस वंडरफुल इसी के साथ लेट्स कंक्लूड वो वी हैव लर्न इन रेस्ट ऑफ सम मिनट्स क्या क्या हमने पढ़ा बिहेवियर ऑफ लाइन में कि जो फर्स्ट लाइन थी ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन थी बिकॉज ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू और इंटरसेक्टिंग लाइन में होता है आपका यूनिक सल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन में होता है आपका यूनिक सोल्यूशन को इंसिडेंट लाइन में क्या होता है आपका जब आपकी तीन जब आपकी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन फॉल कर रही है दैट मीन्स एवन अपॉन बी टू इज इक्वल टू बन ए टू इज इक्वल टू बीवन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सीवन अपॉन सी टू इसका मतलब होता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एवरी वन और पैरल लाइन का मतलब क्या होता है एवन अपॉन ई टू इज इक्वल टू बन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी अपॉन सी टू यह होते हैं आपकी पैरल लाइन और पैरल लाइन का मतलब होता है आपका नो no सल्यूशन पहले लाइन में कोई सोल्यूशन ही नहीं होता वाई बिकॉज दे आर नॉट फॉल लाइक दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग और दे आर नॉट कटिंग ईच अदर एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट तो फिर सोल्यूशन कैसे पॉसिबल होगा समझ में आ गई बात इतना क्लियर है सभी को कहीं पर कोई डाउट है कहीं पर कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं आई एम देअर टू क्लियर अपई एंड एवरी डाउट ऑफ योर कम ऑन आई होप इतना क्लियर है सभी को कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कोई डाउट वाली बात नहीं है पक्का श्योर एवरी वन हम आगे बढ़ें एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे आपको और बेटर समझ में आ जाएगा चेक ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली आपको ये बताना है चेक करना है कि ये जो इक्वेशन आपके पास गिवन है ये आपकी लाइक किस तरीके का नेचर है इसका क्या आ रहा है ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है यू हैव टू चेक दिस तो लेट्स सॉल्व प्लस टू सिक्स टू टॉमन तो मुझे नहीं दिख रहा है तो लेट्स दॉर्डिनेट्स फर्स्ट कॉर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं एंड लेट्स चेक इट अपट आर द आंसर्स विल बी गेटिंग तो x और y फॉर इक्वेशन वन हम कैलकुलेट करते हैं पहले लिखना पड़ेगा क्या लिख देते हैं जैसे आपको एक क्लियर वर्शन हो जाए फॉर इक्वेशन वन इक्वेशन वन के लिए आप देख सकते हैं इक्वेशन वन है कि आपकी x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स राइट अब आपको चेक करना है कि इसका क्या पहले तो इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं x और y के तो अगर मैं x को जीरो रख देती हूँ बच्चा तो y का वैल्यू टू हो जाएगा सिंपल राइट right? अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर वन x का वैल्यू सिक्स रख देती हूँ तो मेरी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट विल बी जीरो एक सिंपल से छोटे छोटे कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए ठीक है अब फाइंड आउट करते हैं फॉर इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर टू तो जब आप इक्वेशन नंबर टू के लिए फाइंड आउट करेंगे वॉट इज यक्वेशन नंबर टू दैट इज टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्व आप चाहो ना तो आप एकदम इसको नॉर्मली देख कर भी पता कर सकते हो क्या करना है आपको ए वन अपॉन ए टू निकालो ज़रा कितना हो गया वन अपॉन टू और बी वन अपॉन बी टू निकालो कितना हो गया दैट इज वॉट थ्री अपॉन माइनस का थ्री राइट right? uh, तो अभी आप यहाँ देख सकते हो खुद ही दैट ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इसका मतलब क्या है जो आपकी लाइंस होंगी वो कैसी होंगी द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग लेकिन अभी आपको इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर चेक करते हैं कि हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग आ भी रही है या फिर बस ऐसी हवा हवा में तो चलो अभी हमें चेक करना है लाइंस इंटरसेक्टिंग है यानी तो पहले हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो अगर इस इक्वेशन में मैं एक्स की वैल्यू जीरो रख देती हूँ तो वाई की वैल्यू विल कम माइनस फोर एवरी वन राइट right. सिमिलरली अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर थ्री रख देती हूँ तो इट विल बी सिक्स सिक्स माइनस टूवेल्व सिक्स एंड वाई का वैल्यू विल बी अगेन माइनस का टू एवरी वन तो अभी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आए हमारे पास जीरो कॉमा टू और सिक्स कॉमा ज़ीरो ठीक है और सेकेंड इक्वेशन के कॉर्डिनेट्स कैसे आए आपके जीरो कॉमा माइनस फोर और थ्री कॉमा माइनस टू राइट right, ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स अभी स्पेस है हमारे पास ओके okay, हमारे पास स्पेस है तो बस आपको क्या करना है इन कोऑर्डिनेट्स को प्लेस कर देना आई एम राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स हियर इक्वेशन वन के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आए हैं आपके पास जीरो कॉमा टू एवरीबडी एंड सिक्स कॉमा जीरो और इक्वेशन टू के आपके पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं दैट इज एवरीबडी जीरो कॉमा माइनस फोर एंड थ्री कॉमा माइनस टू ये आपके पास इक्वेशन नंबर टू के कोऑर्डिनेट्स आए हैं तो लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग इट अप जब आप इसको प्लॉट करेंगे लेट मी मेक अ ग्राफ आई होप क्लियर एंड कट बन जाए। चलिए इट्स योर ओरिजिन यू गोना राइट वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव ह्योर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव Here we'll be getting one, two, three, four, and चलो एक कार्टिशन तो रेडी हो गया हमने कार्टिशन ड्रॉ कर लिया लेट मी मेक माई सेल्फ स्मॉलर हमने कार्टिशन यहाँ पर ड्रॉ कर लिया नाउ वी हैव टू प्लॉट कॉर्डिनेट वी टू प्लॉट करेंगे आप इक्वेशन वन का है जीरो कॉमर टू दैट इज जीरो जीरो नेक्स्ट हैीरो सिक्स कॉमर जीरो विल बी here। सिक्स कॉमर जीरो पहला कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स का होता है ये आपको याद रखना है कोऑर्डिनेट का जो बिहेवियर uh, होता है इट इज लाइक दिस फर्स्ट पॉइंट शुड बी अस्ट बी ऑफ एक्स एक्सिस एंड नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट विल बी ऑफ वाई एक्सेस सॉर्टेड है चलो अभी हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी फॉर इक्वेशन वन ठीक है ये आपके पास लाइन आ गई फॉर इक्वेशन वन अब हम इक्वेशन टू के लिए और माइनस टू आपका रहा तो हेयर इज योर थ्री कॉमा माइनस टू तो अभी इसकी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और देखते हैं वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग और नॉर क्योंकि अभी हमें नेचर में तो पता चल गया था दैट दे इंटरसेक्ट तो आप देख सकते हैं This was your coordinate uh, 3 comma minus 2 and these lines are intersecting here at this point everyone. So, we can these are what? These are intersecting lines. These are intersecting lines which have a unique solution. सिंपल एंड शॉर्ट चलो बताओ सभी लोग समझ में आई बात हमने किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया इतना क्लियर है कहीं पर कोई दिक्कत तकलीफ है कहीं पर कोई डाउट है तो प्लीज गाइज आई एम ह्योर टू क्लियर आप ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर जल्दी से पूछ लीजिए मैं भी आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ सभी लोग आई होप क्लियर हो गया है कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कोई डाउट वाली बात नहीं है जल्दी से बता दो फास्ट कम ऑन कम ऑन एवरी वन जल्दी से बताओ इतना क्लियर हो गया किसी को कोई कन्फ्यूजन है किसी को कोई प्रॉब्लम है फास्ट फास्ट आई होप इतना क्लियर है सभी को राइट एवरी वन वेरी नाइस चलिए तो फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं लेट्स मूव फर्दर एवरीबॉडी एंड हेअर यू गो ग्राफिकली फाइंड वेदर देयर ऑफ इक्वेशन सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आपको ये चेक करना है सेम क्वेश्चन है? है आपको ये चेक करना है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन तो हेअर यू गो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इसका ए वन अपॉन ए टू दैट इज फाइव अपॉन थ्री बी वन अपॉन बी टू दैट इज माइनस का एट अपॉन माइनस का ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव एंड सी वन अपॉन सी टू दैट इज वन अपॉन थ्री अपॉन फाइव एवरी वन ठीक है इस तरीके का कुछ आ रहा है आपके पास आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो दिस इज योर इक्वेशन वन एंड दिस इज योर इक्वेशन टू इक्वेशन टू में मुझे दिख रहा है कि कुछ मेरे पास फ्रैक्शनल टर्म्स है राइट तो उन फ्रैक्शनल टर्म्स को हम किस तरीके से कर सकते हैं वी कैन मेक इट एज थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव वाई प्लस थ्री अपॉन फाइव इज इक्वल टू जीरो को हम क्या कर सकते हैं वी कैन मेक इट एज थ्री पूरी इक्वेशन में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ फाइव अपॉन थ्री का तो सी हमारे पास क्या आएगा थ्री एक्स इंटू फाइव अपॉन थ्री माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव वाई इंटू फाइव अपॉन थ्री प्लस थ्री अपॉन फाइव इंटू फाइव अपॉन थ्री इज इक्वल टू जीरो राइट right? तो अब आपके पास क्या बचेगा थ्री से थ्री कैंसिल हो गया आपका फाइव से फाइव कैंसिल हो गया है और इट विल बी गेटिंग एट फाइव से फाइव थ्री से थ्री कैंसिल हो गया तो आपको यहाँ पर कितना मिलने वाला है फाइव एक्स माइनस विल बी गेटिंग एट वाई प्लस और यू विल सब कुछ कैंसिल हो गया दैट मींस वन इज इक्वल टू जीरो सो दिस विल बी योर सेकंड इक्वेशन आप इसको सेकेंड इक्वेशन ले सकते हो अपनी येस और नो जल्दी से बताओ यू कैन टेक इट एज योर सेकेंड इक्वेशन एवरी वन तो अभी इससे आप ए वन अपॉन ए टू निकाल दीजिए इजिली जब आप इससे ए वन अपॉन ए टू निकालेंगे तो ए वन अपॉन ए टू दैट इज फाइव अपॉन फाइव बी वन अपॉन बी टू दैट इज माइनस का एट अपॉन माइनस का एट सी वन अपॉन सी टू दैट इज इक्वल टू वन अपॉन वन अब आप देख सकते हो सब कुछ आपका कैंसिल अपर इट इज कमिंग टू ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू इसका मतलब क्या है आपकी जो ये लाइन्स है दीज लाइन्स है को इंसीडेंट लाइन्स दीज लाइन्स आर योर को इंसिडेंट लाइन्स एवरी वन

एनी सॉर्ट ऑफ़ कन्फ्यूजन एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम एनी सॉर्ट ऑफ डाउट तो आप मुझे बता सकते हैं मैं अभी आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ सभी लोग फास्ट इतना क्लियर हो गया कोई कन्फ्यूजन नहीं है पक्का एवरी वन ईच एंड एवरी वन आउट देर आई होप इतना क्लियर है सभी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है चलिए बहुत बढ़िया इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी कहीं पर कोई डाउट होगी तो आप मुझसे बता सकते हैं एंड हेयर ओके okay, मैंने पूरा एक में ही सॉल्व कर दिया तो हमें पता चला कि ये को इंसिडेंट लाइन थी विच इज हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सल्यूशन विच इज हैविंग इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एवरी सॉर्टेड है क्लियर है कोई कंफ्यूजन वाली बात कोई डाउट वाली बात आप मुझे बता सकते हैं आई एम देयर टू क्लियर इट अप एवरीबॉडी तो जैसे कि हमने एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू अपनी कवरअप कर ली है अब बारी है पार्ट थ्री के बारे में आज की क्लास में हम कवरअप करने वाले हैं पार्ट थ्री जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड सीखने वाले हैं टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है हमने सीख लिया कि ग्राफिकली किस तरीके से हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है किस तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं बट दैट इज क्वाइट अ अल्थी मेथड राइट कि हम पहले कॉर्डिनेट फाइंड आउट करें फिर उसको ग्राफिक आर्टिशन बनाएं फिर उसमें पॉइंट्स प्लॉट करें लाइन्स को मीट करें और फिर हम का एक कॉमन पॉइंट फाइंड आउट करे तो बेसिकली इट इज लिटल अ लेंदी प्रोसेस तो बेसिकली basically... कोऑर्डेनिक इक्वेशंस को तीन सॉरी लीनियर इक्वेशंस को तीन अलग अलग तरीकों से तीन अलग अलग मेथड से सॉल्व किया जाता है जिसमें से कि आज हम लाइक like, हमने ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी पढ़ लिया आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सब्सटीट्यूशन मेथड की एवरी किस मेथड की बात करने वाले हैं आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सब्सिट्यूशन मेथड की नाउ वॉट इज द सब्सिट्यूशन मेथड जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा एक आइडिया मिल रहा होगा सब्सटीट्यूशन मतलब किसी एक वैल्यू में किसी दूसरी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना राइट right? उसकी वैल्यू को पुट करना उसमें तो हमारे पास तीन अलग अलग डिफरेंट मेथड्स हैं टू सॉल्व अ पर्टिकुलर लाइक लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पहला आपका ग्राफिकल जो आप पढ़ चुके हो सब्सटीट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मैथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आई रिपीट ये तीन मेजर मैथड्स हैं जो कि आपको आने चाहिए लेकिन सी बी एस ई ने इसमें से एक मैथड एलिमिनेट कर दिया है सिलेबस में दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड बट देन टू अगर आपको वो चाहिए होगा तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आई लव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ठीक है सब्सिट्यूशन मैथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड एंड एलिमिनेशन मैथडर थ्री मैथड्स ऑफ सोल्विंग एल्जेब्रिक तो सबसे पहला मैथड है हमारा सब्सिट्यूशन मैथड बात करते हैं सब्सिट्यूशन मैथड के बारे में किस तरीके से सॉल्व किया जाता है किस तरीके से यूज किया जाता है इज अ डिफिकल्ट मैथड इजियो मैथड और हाउ इट वर्क बेसिकली राइट तो गाइज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड

कुछ भी इसमें थ्योरी ऐसा सच नहीं है तो एग्जाम्पल से ही मैं आपको करवाऊंगी इसको कि एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से होगा आपको ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी चीज़ें समझ में आ जाएंगी बट उससे पहले आप सभी लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट प्रियल मैम की एक्सेप्ट करनी है और वो रिक्वेस्ट है कि मेक श्योर sure कि आप सभी लोग एक पेन और कॉपी के साथ बैठे हैं सो so दैट मैं यहाँ पर जो भी लिख रही हूँ मेरे साथ आप सब लोग उस चीज़ को अपने नोटबुक में नोट करते जाओ जिससे कि आपको वो लॉन्गर टाइम तक एक लॉन्गर रन तक वो चीज़ याद रहे समझ गए तो बस ये एक छोटी सी हेल्प है हेल्प कर दीजिए दैट इज ऑल वर्क इट्स फाइन एब्सोल्युटली फाइन सो लेट्स गो विद द क्वेश्चन लेट्स गो विद द फ्लो एवरीवन सो हियर आर द टू इक्वेशंस गिवन नेम दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन दिस इज योर सेकंड इक्वेशन एवरी वन हमने लेट कर लिया दैट इज दैट सेवन एक्स माइनस फाइव फिफ्टीन वाइज इक्वल टू टू इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री विल बी योर सेकंड इक्वेशन हमने ये दो इक्वेशन अपनी लेट कर ली अभी चलो इसी को आगे बढ़ते हैं सॉल्व करते हैं हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस आप या ध्यान से देखेंगे फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं आप क्या करोगे कोई भी एक इक्वेशन उठा लो उस एक इक्वेशन में से उस एक इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो क्या समझे कोई भी एक इक्वेशन उठा लो और उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो हम फ्रॉम इक्वेशन वन में लिख रही हूं या फ्रॉम इक्वेशन वन मुझे बताया हमारी इक्वेशन क्या है दैट इज सेवन एक्स माइनस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू टू क्या है सेवन एक्स माइनस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू टू ये आपकी पहली इक्वेशन है अब इसमें से क्या करूं इस इक्वेशन में से मैं x की या फिर y की आपका जो भी फेवरेट वेरिएबल है आइदर x और y उन दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है लेट्स फाइंड इट आप तो ये कितना हो जाएगा सेवन एक्स माइनस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू टू में अभी मुझे क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेवन एक्स इज इक्वल टू टू प्लस फिफ्टीन वाई और x का वैल्यू आ गया टू प्लस फिफ्टीन वाई अपॉन सेवन ध्यान से देखिएगा मैम ने यहाँ पर क्या किया है एवरी वन आई एम डूइंग हियर लेट्स लाइक योर कॉन्सेंट्रेशन विल बी फुल्ली हियर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान से समझेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा वरना नहीं क्या कह रहा है ये इक्वेशन वन से हमने क्या किया हमने एक एक्स की वैल्यू आपकी मेरी मर्जी थी मैंने एक्स की वैल्यू निकाली आपकी मर्जी है याँ याँ वाई की वैल्यू निकाल लो कोई ऐसा हिट एंड ट्रायल कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है कि आपको सिर्फ एक्स की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है या फिर आपको सिर्फ वाई की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपकी मर्जी है तो मैंने यहाँ पर मेरे को ईजी लगा एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करने का तो मैंने एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया अब क्या करना है ये जो आपने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करी है पुटिंग दिस एक्स का वैल्यू इन द अनदर इक्वेशन जो कि हमारी वापस बची हुई है पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू क्या करेंगे ये जो आपने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट किया है इसको आप इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन टू क्या थी भाई लिख लेते हैं आपकी इक्वेशन टू क्या थी जल्दी से बताओ इक्वेशन टू इज एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री एवरी वन वॉट इज यक्वेशन टू दैट इज एक्स प्लस टू थ्री अब आपको क्या करना है एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपने फाइंड आउट कर लिया बस इस इक्वेशन में जहां पर भी आपको एक्स दिख रहा है ले जाओ और एक्स की वैल्यू वहां पर पुट कर दो दैटी टू गो तो अभी आप जब आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना हो गया टू प्लस फिफ्टीन वाई अपॉन सेवन एक्स प्लस टू वाय

ओके फोर्टीन वाई इज इक्वल टू थ्री कोई दुख तकलीफ कोई शक अभी मैं सेम चीज़ को लेके जाती हूँ पीछे कॉपी कर देती हूँ यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है तो लेट मी कॉपी इट इन द अनदर पेज चलिए हियर वी पेस्टेड जस्ट अ मिनट एवरीवन ऑल राइट तो हमारा कुछ इसी तरीके का था बस अब आप इसको सॉल्व करने लग जाइए वेन सॉल्व दिस बी गेटिंग अपटिंग अपर आंसर कितना हो जाएगा आपके पास सो फिफ्टीन वाई प्लस फोर्टीन वाई एम नॉट रॉन्ग तो ये कितना हो गया ट्वेंटी वाई प्लस टू इज इक्वल टू ट्वेंटी वन हो गया ये जब सेवन थ्री के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा यू विल बी गेटिंग ट्वेंटी वन एवरी वन लेट सोल्व दिस अप कितना हो गया ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन माइनस का टू एवरी वन ट्वेंटी नाइन वाई इज इक्वल टू नाइनटीन और आपने यहाँ पर देखा कि y का वैल्यू आया आपके पास नाइनटीन अपॉन ट्वेंटी नाइन एवरी वन आपने क्या करना है सब्सिट्यूशन से आपने y का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं होता है क्यों अभी आपने सिर्फ y का वैल्यू फाइंड आउट किया नाउ वट यू हैव टू डू यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x अब आपको x का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन तो so आपने जब x का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया था दिस वॉज योर x का वैल्यू एवरीबडी एक्स इज इक्वल टू टू प्लस फिफ्टीन वाई अपॉन सेवन आई एम राइटिंग इट अप एक्स इज इक्वल टू कितना था टू प्लस फिफ्टीन वाई अपॉन सेवन टू प्लस फिफ्टीन वाई अपॉन सेवन x की वैल्यू थी दैट वॉज एक्स इज इक्वल टू टू प्लस फिफ्टीन वाई अपॉन सेवन एवरी वन ठीक है लेट स्टार्ट पुटिंग अप द वैल्यू तो हमारे अच्छा टू प्लस है जस्ट अ टू प्लस फिफ्टीन इंटू वाई वॉट इज वाई एवरी दैट इज़ नाइनटीन अपॉन ट्वेंटी नाइन अपॉन सेवन एवरी वन राइट जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यू विल बी गेटिंग अ प्योर आंसर और आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू वॉट फोर्टी नाइन अपॉन ट्वेंटी नाइन एवरी वन आपका जो x का वैल्यू आएगा दैट इज फोटी नाइन अपॉन ट्वेंटी वन दिस इज ट्वेंटी नाइन दिस इज एक्स का वैल्यू एंड दिस इज योर वाई का वैल्यू यू गाइज हैव टू सॉल्व इट विद मी यू मेक माई सब्सल स्मॉलर दिस इज हाउ यू विल बी गोइंग टू कैलकुलेट एंड फाइंड अप योर आंसर इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे चलो सभी लोग बता दो अच्छे से समझ में आया कहीं कोई दुख तकलीफ है कहीं कोई प्रॉब्लम है तो अभी आपका डाउट क्लियर कर देते हैं हमने क्या किया सबसे पहले हमने वैल्यू को सब्सिट्यूट किया वैल्यू को सब्सिट्यूट किस तरीके से किया एक सेकेंड एवरी वन जस्ट है मैंने हाँ जी वैल्यू को सब्सिट्यूट किस तरीके से किया है? हमने सबसे पहले कोई भी एक इक्वेशन उठाया उस एक इक्वेशन में से हमने एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट किया जैसे ही आपने उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट किया उसको आपने पुट कर दिया सेकेंड इक्वेशन के अंदर क्या किया पहले आपने फर्स्ट इक्वेशन में से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाला फिर उसको आपने उस वेरिए उस वैल्यू को आपने सेकेंड इक्वेशन के वेरिएबल uh, में आपने उसको एस रिप्लेस कर दिया उसको पुट कर दिया जब आप उसमें पुट करेंगे आपकी पूरी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन हो जाएगी आपको उस पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा देन यू हैव टू रिपोस्ट दैट इन टू अनदर इक्वेशन और आपको आपके दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू मिल जाएगा वेरी वेरी इजली चलो बताओ सभी को समझ में आई बात कहीं कोई कन्फ्यूजन है कहीं कोई बात है तो मुझे बता दो आई एम

दिस इज द एक्स्ट्रा पेज आप सब लोग खुद से ट्राई करना और अगर नहीं समझ में आया तो लेट मी टेल यू समस्ट्स ये स्टेप्स हैं जो बेसिक स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं वाइल सॉल्विंग एनी पर्टिकुलर पेर ऑफ लीनर इक्वेन्स विद्प ऑफ सब्सिट्यूशन मैथड सब्सिट्यूशन मैथड से सॉल्व करने के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं तो लेट्स रीड दीज स्टेप्स वन बाय वन वेरी वेरी केयरफुल सो वट दीज स्टेप्स आर से वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से वाई इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल मैंने आपको क्या सिखाया था कि सबसे पहले क्या करना है सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में जैसे सपोज मैंने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करी इन टर्म्स ऑफ दी अदर वेरिएबल दैट इज एक्स क्या समझे मैंने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करी इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल दैट इज एक्स सपोज ये आपका एक इक्वेशन था जैसे मैंने वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली फाइव माइनस एक्स की फॉर्म में ठीक है दैट इज एक्स फ्रॉम आइदर इक्वेशन विच एवर इज कन्वीनियंट टू यू और आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है आपको इन दोनों लीनियर इक्वेशन में जो कन्वीनियंट लग रहा है जो इजी लग रहा है वट एवर यू थिंक्स की लाइक like, ये मेरे को थोड़ा इजीली पड़ेगा कैलकुलेशन में आप उस पर्टिकुलर इक्वेशन से जो वेरिएबल आपका फेवरेट है या जो

कभी कभी क्या होता है ध्यान से समझेंगे ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेट मी टेक अ हाइलाइटर समटाइम्स यू कैन गेट स्टेटमेंट्स विद नो वेरिएबल्स इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू यू कैन कंक्लूड दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि कभी कभी जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि आपको एक ऐसा टाइम uh, आ जाए एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपको स्टेटमेंट में कोई भी वेरिएबल ना दिखे अगर ऐसा होता है इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू यू कैन कंक्लूड आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर पेयर ऑफ

ठीक है तो अभी आपने x की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर लोगे y की वैल्यू आपके पास है तो कितनी हो जाएगी फाइव माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू टू तो मतलब x की वैल्यू जो आई वो आपकी टू आ गई y की वैल्यू जो आई वो आपकी फाइव हो गई इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर इक्वेशन में से नहीं उठाए इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल एवरी वन चलिए बताइए सभी अच्छी तरीके से समझ में आया या नहीं कहीं कोई दुख तकलीफ किसी भी स्टेप में किसी भी प्रॉब्लम में तो अभी आप सभी का डाउट क्लियर कर दिया जाता है सभी लोग कम ऑन कहीं पर किसी स्टेप में प्रॉब्लम है अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखने वाले हैं जिससे कि अगर कोई दुख तकलीफ कोई डाउट होगा भी तो वो बिल्कुल वन गो में क्लियर हो जाएगा ठीक है सभी को समझ में आ गया कोई कंफ्यूजन नहीं है कोई डाउट नहीं है पक्का श्योर आगे भर जाए वी मूव फर्दर एवरी चलिए बहुत बढ़िया इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं ह्यर इज अनदर एग्जाम्पल एवरी वन लेट स्टार्ट सॉल्विंग दिस ऑफ सबसे पहले आपके पास दिख रहा है आपको इक्वेशन है आपकी एस माइनस सेवन इज इक्वल टू सेवन टी माइनस सेवन एस प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री टी प्लस थ्री आपके पास दो इक्वेशन गिवन है बट दे आर नॉट इन द करेक्ट फॉर्म तो अभी हम इसको फॉर्म में लेकर आएंगे हाउ टू मेक इट इन अ एवरी वन किस तरीके से लेकर आएंगे एस माइनस सेवन इज इक्वल टू सेवन टी माइनस सेवन ब्रैकेट को ओपन करो और उसको जनरल फॉर्म में लाने की कोशिश करो ठीक है तो अभी ये क्या कितना हो जाएगा लेट मी टेक द हेल्प ऑफ माई पेन तो इक्वेशन वन की अगर मैं बात तो वॉट विल बी योर इक्वेशन वन एवरी वन एस माइनस सेवन इज इक्वल टू सेवेंटी माइनस का फोर्टी नाइन दैट विल गोना गिव यू वॉट अगर मैं सबको इधर ही ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा एस माइनस सेवेंटी इज इक्वल टू माइनस फोर्टी नाइन प्लस का सेवन यू विल बी गेटिंग एस माइनस सेवेंटी अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँगी तो माइनस का हो जाएगा इधर ले आते हैं प्लस का फोर्टी नाइन माइनस सेवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग विल बी गेटिंग फोर्टी टू Is equal to zero. ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर वन दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन एवरी सॉर्टेड है क्लियर है कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम कोई डाउट चलिए बताए थोड़ा सा स्ट्रेट लिख देते हैं एस माइनस सेवेंटी इज इक्वल टू हम चाहे तो माइनस में लिख सकते हैं या फिर प्लस में इधर लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा फोर्टी टू इज इक्वल टू जीरो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर वन बेसिकली सॉर्टेड है अब बात कर लेते हैं इक्वेशन नंबर टू के बारे में तो जब मैं इक्वेशन नंबर टू के बारे में बात करूंगी तो वॉट इज इक्वेशन टू गिवन ओवर योर दैट इज एस प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री टी प्लस नाइन हो जाएगा इस थ्री का ब्रैकेट ओपन कर देंगे हमने दोनों के ब्रैकेट्स ओपन किए हैं तो कितना हो जाएगा एस प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री टी प्लस नाइन जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यू के विल बी गेटिंग एस माइनस थ्री टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका नाइन माइनस थ्री तो हो जाएगा एस माइनस थ्री टी इज इक्वल टू वॉट इज नाइन माइनस थ्री दैट इज सिक्स एवरी बड़ी तो दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन एवरी वन ये जो हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी कोई दिक दुख तकलीफ कोई प्रॉब्लम कोई डाउट है प्लीज प्लीज गो अहेड एन आज काम देर टू क्लियर अप इच एंड एवरी डाउट ऑफ योर एवरी वन कहीं पर फंस रहे हो कोई डाउट है कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है आप मेरे से पूछ सकते हैं एवरीबॉडी आई एम देयर टू क्लियर अप ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स तो अभी दो इक्वेशंस आपने बना ली अब आपको क्या करनी अब आपको वैल्यू को सब्सिट्यूट करना है तो वैल्यू सब्सिट्यूट करने के लिए मुझे इक्वेशन टू थोड़ी ईजी लग रही है यहाँ से मैं एस की वैल्यू निकाल लेती हूँ आराम से आई कैन ईजिली फाइंड एस का वैल्यू ओवर हियर तो ये कितनी हो जाएगी मेरी वैल्यू एस माइनस थ्री टी इज इक्वल टू सिक्स या चाहो तो आप वन से निकाल सकते हो या टू से आपकी जैसी मर्जी ठीक है जैसा आपको ईजी जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे कर सकते हो तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फ्रॉम इक्वेशन वन अगर मैं इक्वेशन वन की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा s माइनस सेवन टी इज इक्वल टू माइनस का फोर्टी टू राइट कोई दुख तकलीफ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं कोई डाउट नहीं पक्का श्योर एवरी वन तो अभी इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं एस का वैल्यू कितना हो गया माइनस का फोर्टी टू प्लस का सेवन टी एवरी वन राइट और नॉट एस की वैल्यू जो आई वो कितनी हो गई आपकी माइनस का फोर्टी टू प्लस का सेवन राइट और नॉट ये आपकी एस की वैल्यू आ गई एवरी वन अब क्या करना है पुटिंग दिस एक्स का वैल्यू एस uh, का वैल्यू इन इक्वेशन टू पुटिंग एस

माइनस का फोर्टी टू प्लस का सेवेंटी माइनस का थ्री टी इज इक्वल टू सिक्स राइट मैंने बस कुछ नहीं किया है बचप आ रही आई हैव जस्ट इट द वैल्यू इन द इक्वेशन टू तो अभी एस माइनस थ्री टी इज इक्वल टू सिक्स था तो हमारी इक्वेशन क्या थी एस माइनस थ्री टी इज इक्वल टू सिक्स तो मैंने बस वही किया है एस की जगह माइनस फोर्टी टू प्लस माइनस थ्री टी एज इट इज इज इक्वल टू सिक्स तो अभी ये मेरा क्या हो गया माइनस फोर्टी टू माइनस थ्री टी दोनों लाइक टर्म्स हैं प्लस का फोर टी इज इक्वल टू सिक्स हो गया अभी आप 40 इज इक्वल टू सिक्स प्लस फोर्टी टू फोर इज इक्वल टू कितना हो गया फोर्टी टू प्लस सिक्स यू विल बी गेटिंग फोर्टी एट इफ आई एम नॉट रॉन्ग और टी का वैल्यू आ गया आपके पास टी फोर वन ज़ा फोर टू जी टी का वैल्यू आया भाई ट्वेल्व आपके पास हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हमारा टी का वैल्यू आया है ट्वेल्व बट अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है हैविंग टी का वैल्यू आया है आपके पास ट्वेल्व लेट मी राइट इट हियर एवरीबडी टी का वैल्यू हमने ट्वेल्व कैलकुलेट कर लिया लेकिन अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ है अभी आपको एस का भी वैल्यू कैलकुलेट करना है तो पुटिंग वैल्यू ऑफ टी इन एस जो तो आपने एस का वैल्यू फाइंड आउट किया तो एस का वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट किया था एवरीबॉडी माइनस फोर्टी टू प्लस का सेवेंटी माइनस फोर्टी टू प्लस का सेवेंटी ये आपने एस का वैल्यू कैलकुलेट किया था बस अभी आपने इसमें यहाँ पर पुट कर देना है एस इज इक्वल टू माइनस का फोर्टी टू प्लस सेवन इंटू ट्व एवरीबडी एंड जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपको मिलेगा माइनस का फोर्टी टू प्लस का विल बी गेटिंग फोर्टीन सेवन नाइन 84 एंड व्हेन यू बी गोइंग टू कैलकुलेटेड आपको आंसर मिल जाएगा 42 तो आपके पास s का वैल्यू आया है बच्चा पार्टी 42 में लेट मी राइट हियर हेंस वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 12 एंड एस इज़ इक्वल टू फोर्टी टू दिस इज़ योर आंसर एवरी वन इस तरीके से आप अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से आपको आपकी वैल्यू मिलेगी चलो बताओ जल्दी से इतना क्लियर हुआ कहीं कहीं अटक रहे हो कहीं कोई दिक्कत है कहीं कोई डाउट है तो बता दीजिए आई एम देर टू क्लियर आप ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर एवरीबडी आप सभी के डाउट्स सभी हम क्लियर कर देते हैं फास्टर 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 कम ऑन चलो जल्दी से बताओ कहीं पर कोई दुख तकलीफ कहीं पर कोई डाउट कहीं पर कोई प्रॉब्लम है अभी आपका डाउट क्लियर कर देते हैं सभी लोग फास्टर किमी सम अप्स किमी सम इन द चैट बॉक्स जिससे कि मेरे को पता चले कि हाँ आप सभी लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ गए हैं यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग इट वेल इन अ वाइडर वे कम ऑन एवरी वन जल्दी से बताओ कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं जैसे कि अभी आपको अगर नहीं समझ में आया तो उससे और बेटर वे में समझ में आ जाएगा चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं सभी लोग फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ ध्यान से देखेंगे किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड हेअ यू गो लेट मी टेक सम लाइटर कलर ठीक है चलो दस्ट ऑफ टू पेंसिल एंडीज एटीन फाइन दॉ पेंसिल एंडर लेट द कास्ट ऑफ पेन लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल भी हमने पेंसिल की कॉस्ट ले ली दैट इज एक्स रुपीज लेट मी मेक माई सेल्फ इट इल बिगर अभी तो हमारे पास स्पेस है ठीक है हमने लेट द कास्ट ऑफ पेंसिल भी एक्स रुपीज एंड इरेजर भी

और सिक्स इरेजर्स थी जो कि थी आपकी एटीन रुपीज़ की ये लीजिए बन गया अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि देखो फोर सिक्स और एटीन दोनों में मेरे को टू कॉमन दिख रहा है तो लेट्स टेक टू कॉमन फ्रॉम हियर तो कितना हो गया टू एक्स प्लस थ्री वाई देखूं तो मुझे ये दिखेगा टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस करी कि इक्वेशन टू और इक्वेशन वन ये तो दोनों के दोनों ही सेम है इक्वेशन टू

तो हम कैसे करते हैं दोनों इक्वेशन की वैल्यू सब्सिट्यूट करो एक दूसरे में और देखो आपके पास किस तरीके की इक्वेशन आती है टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन है चलिए टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन है किसी भी एक वेरिएबल की मैं वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में पुट करती हूँ एंड बाय डिफॉल्ट दूसरी इक्वेशन भी आपकी पहली इक्वेशन के ही इक्वल है तो ये कितना हो जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू नाइन माइनस थ्री वाई और x का वैल्यू आ गया आपका नाइन माइनस थ्री वाई अपॉन टू ठीक है ये आपकी आ गई x की वैल्यू पुटिंग x की वैल्यू इन इक्वेशन टू क्वल टू नाइन टू इन टू एक्स का वैल्यू कितना है नाइन वाइनस थ्री वाई अपॉन टू प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन लेट्स ही हमारे पास क्या आता है आंसर वॉट वी विल बी गेटिंग टू से तो टू कैंसिल ही हो गया हमारा थ्री वाई प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन थ्री वाई से थ्री वाई कैंसिल हो गया और आई एम सो सॉरी गाइज जस्ट अ मिनट ओके थ्री वाई से थ्री वाई आपका कैंसिल हो गया और आपको मिल गया नाइन इज इक्वल टू नाइन कोई भी वेरिएबल नहीं बचा और अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा था जब आपके पास कोई भी वेरिएबल नहीं बचता है तो दैट मींस कि उस पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सल्यूशन एवरी वन उसके पास होते हैं इनफाइनाइटली मैनी 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 सल्यूशन एवरी वन समझ में आई बात कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम कोई डाउट कोई दिक्कत तकलीफ आप पूछ सकते हैं मैं अभी आप सभी का डाउट फट से वन गो में क्लियर कर देती हूँ फास्ट एवरी वन चलो जल्दी से बता दो क्लियर हुई बात कोई कन्फ्यूजन वाली बात कोई डाउट वाली बात अभी क्लियर कर देते हैं आई होप इतना क्लियर है सभी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है कोई डाउट नहीं है पक्का एवरीबडी श्योर वेरी नाइस वंडरफुल गुड जॉब चलो तो फिर एक और इक्वेशन आप सभी के सामने है ध्यान से देखेंगे इस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है वही सेम प्रोसीजर है एक्सप्ल टू बाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो बिगर ओके टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो के तो मेरे को देख रहा है सेकंड इक्वेशन में टू कॉमन आ रहा है मी टेक टू कॉमन तो जब मैं सेकंड इक्वेशन में से टू को कॉमन लूंगी तो मुझे मिल जाएगा एक्स प्लस टू वाई माइनस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो गिवन है सेकंड इक्वेशन हो गई एक्स प्लस टू वाई माइनस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं तो अगर मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो मुझे मिल जाएगा फोर माइनस टू वाई माइनस फोर जब आर एच एस में जाएगा प्लस का फोर हो जाएगा प्लस का टू वाई जब जाएगा वो माइनस का टू वाई हो जाएगा ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन टू पुटिंग एक्स इन इक्वेशन टू तो जब आप इसको इक्वेशन टू में पुट करोगे तो लेट्स ही हमारे पास किस तरीके का पैटर्न बनकर आता है तो जब आप इसको इक्वेशन टू में पुट कर रहे हैं दैट इज एक्स प्लस टू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो तो एक्स का वैल्यू कितना है फोर माइनस टू वाई प्लस का टू वाई माइनस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो बस वैल्यू तो पुट करी हमने माइनस के टू बाई से प्लस का टू बाई कैंसिल हो गया फोर माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो और दिस इज व्हाट दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट एवरीवन ये तो आपका फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है माइनस टू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो राइट तो दिस इज योर फॉल्स स्टेटमेंट ये आपका स्टेटमेंट ही फॉल्स है तो दैट मींस नो सॉल्यूशंस विल बी पॉसिबल फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बिकॉज दिस इज योर फॉल्स स्टेटमेंट एवरीवन चलो ध्यान से देख लो कहीं पर कोई कंफ्यूजन है कहीं पर कोई डाउट है जल्दी जल्दी से थोड़े से थम्स अप्स और थोड़े से यो दे दो चैट बॉक्स में जिससे कि प्रियोर मैम को एक आइडिया लग जाए कि हाँ मेरे किडोस मेरे चैंपियंस बिल्कुल सुपर एक्साइटेड है और सुपर रेडी है तो इसी के साथ एक्सरसाइज थ्री का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ थ्री टू

कि एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना फाइंड आउट करना और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना जिससे कि आपकी दूसरी इक्वेशन पूरी एक सिंगल वेरिएबल हो जाए और जब वो एक पूरी इक्वेशन सिंगल वेरिएबल हो जाएगी तो आप इजली किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे और फिर उसको वापस से किसी एक इक्वेशन में पुट करके आप अनदर वेरिएबल या फिर अनदर अनोन वेरिएबल का वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर पाओगे राइट इतना सा था कॉन्सेप्ट छोटू सा कॉन्सेप्ट है तो चलो फिर इसी के साथ स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय दब्सिट्यूशन में

ठीक है अब क्या करना है यहां से x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं 14 y. आपने x का है, इसी की तरह हम क्या करेंगे अभी एक क्वेश्चन वन थी पुटिंग ध्यान से सॉल्व करेंगे मेरे सात क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे आपको और बेटर लर्न हो जाए पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू लाइक दिस इज योर इक्वेशन टू एंड दिस इज योर इक्वेशन वन राइट तो इक्वेशन टू में हम वैल्यू पुट कर देते हैं जब आप उसको वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा इक्वेशन टू है आपकी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर एवरी वन एक्स की जगह पर हमें पुट करना है फोर्टीन माइनस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू फोर एवरीबरी जस्ट लाइक टर्म्स है सॉल्व करते जाइए फोर्टीन माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर हो गया कितना बचा आपके पास माइनस का टू वाई इज इक्वल टू फोर्टीन फोर माइनस फोर्टीन माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस का टेन माइनस से माइनस कैंसिल हो गया लेट मी मेक माई लिटिल स्मॉलर ऑल तो अभी हमारे y का वैल्यू कितना बच्चे कैलकुलेट हुआ है यहाँ पर y का वैल्यू आ गया आपके पास फाइव टेन टन इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हमने अपने y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर सॉर्टेड है क्लियर है कोई दुख तकलीफ वाली बात कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है दिमाग में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं आई एम देयर टू क्लियर अप ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स आई होप इतना क्लियर है वाई इज इक्वल टू फाइव हो गया अब क्या करना है इस वाई की वैल्यू लेकर जाओ और इसको यहाँ जो आपने एक्स का वैल्यू कैलकुलेट किया था इस एक्स का वैल्यू जो आपने फाइंड आउट किया था इन टर्म्स ऑफ वाई उसको पुट कर दो आपको आपके एक्स का भी वैल्यू मिल जाएगा क्या आपने अपनी जो भी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो भी आपको आराम से मिल जाएगी एम एम हैविंग वन मोस्ट लाइट टिक्स टू बी कवर शुड बी ऑन द नेक्स्ट पेज दैट इज एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री एवरीबडी जस्ट इग्नोर दिस एंड जस्ट गोइंग टू प्लेस द वैल्यू हियड एक्स इज इक्वल टू था आपका फोर्टीन माइनस वाई इग्नोर ऑल राइट फोर्टीन माइनस वाई हमने वाई का वैल्यू देखा दैट वॉज फाइव आई एम नॉट रॉन्ग लेट मी क्रॉस चेक इट अगेन वैल्यू वॉज फाइव तो अभी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा का और हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा एक्स का वैल्यू आया है नाइन और वाई का वैल्यू आया है हमारे पास सिंपल इजी पीजी चलो जल्दी से बताओ सभी को क्लियर हुआ कहीं कोई दुख तकलीफ कहीं कोई कंफ्यूजन कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी आप सभी लोगों का डाउट फट फट से क्लियर कर देती हूँ कम ऑन एवरी आई होप सभी को समझ में आ गई है ये चीज किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है पक्का श्योर एवरी ग्रेट वंडरफुल इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन एवरी एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ओके लैंड स्लाइड नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर एवरी बड़ी ध्यान से देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन कोई भी डाउट है तो आप रियल मैम से पूछ सकते हैं जस्ट डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स और इन द कमेंट्स एज वेल अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आगे देख रहे हैं तब भी आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं हमारी टीम काफी एक्टिव रहती है विल डेफिनेटली गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू योर कॉमेंट ओके चलिए सो इक्वेशन नंबर वन इज गिवेन एस माइनस टी इज इक्वल टू थ्री बहुत बढ़िया अपॉन टू इज इक्वल टू सिक्स दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन इज एस माइनस टी इज इक्वल टू थ्री एंड सेकेंड इक्वेशन इज एस अपॉन थ्री प्लस टी अपॉन टू इज इक्वल टू सिक्स एवरी वन सॉड है क्लियर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है राइट अब क्या करना है अब आपको बस एस का वैल्यू निकालना है फ्रॉम इक्वेशन वन में एस की वैल्यू निकाल देती हूँ फिर इक्वेशन टू में वैल्यू को पुट कर देती हूँ राइट तो चलो लेट्स डू इट अप फ्रॉम इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेसन वन वी कैन फाइंड आउट द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस एस का वैल्यू कितना हो जाएगा एस विल बी इक्वल टू थ्री प्लस टी एवरी बारी कोई दिक्कत वाली बात कोई कंफ्यूजन वाली बात ये तो सॉर्टेड है ईजी है पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस पुटिंग वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेसन पुटिंग वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेसन टू इक्वेशन टू में जब आप पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा एस का वैल्यू आपने क्या रखा है थ्री दिस इज योर इक्वेशन टू एवरी तो बस मैं एस की जगह पर थ्री प्लस टी अपॉन थ्री प्लस टी अपॉन टू इज इक्वल टू सिक्स जस्ट सॉल्व बाई टी एम एंडल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ एस एवरी वन तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगी मुझे क्या मिल जाएगा आई विल बी गेटिंग सिक्स एज एल सी आई होप यू गाइस आर एबल टू सी इट हाँ दिख रहा है चलो बहुत बढ़िया तो एलसीएम ले, ले, ले लेंगे कितना हो जाएगा टू थ्री प्लस टी प्लस थ्री टू डिड बाई सैट विल बी थ्री 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 इन टू टी दैट विल गोन ए गिव यू सिक्स कैन आई आई एमिंग की भाई नया पेज है या नहीं है तो चलो कितना हो गया ये टू थ्री प्लस टी प्लस थ्री टी अपन लेट मी मेक माई सेल्फ लिटिल बिग गर्ल एंड लेट मी शिफ्ट ऑन द नेक्स्ट पेज कितना था टू टी प्लस थ्री फायम नॉट रॉन्ग थ्री प्लस टी था थ्री प्लस टी ठीक है एक ही बात है ओके प्लस थ्री टी अपॉन सिक्स प्लस थ्री टी

फाइव टी इज इक्वल टू थर्टी सिक्स माइनस का सिक्स सॉर्टेड फाइव टी इज इक्वल टू थर्टी और आपका टी का वैल्यू आ गया सिक्स एवरी बड़ी अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ है अभी आपने सिर्फ और सिर्फ टी कैलकुलेट किया है अभी तो आपको क्या अनदर वेरिएबल मतलब एस का भी वैल्यू कैलकुलेट करना है तो अब हम क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी पुटिंग वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन या फिर नॉट इन आप चाहो तो इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो और एल्स जो आपने टी का वैल्यू फाइंड आउट किया था पहले या फिर एस का जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किया था वॉट वॉज योर एस का वैल्यू दैट इज थ्री प्लस टी राइट पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी एंड एस तो एस क्या था आपका थ्री प्लस टी था एस वॉज योर थ्री प्लस टी एवरी बड़ी समझ में आ रही है कहीं कोई दिक्कत है देख लो यहाँ पर एस क्या था आपका थ्री प्लस टी था वही मैम ने लिखा है थ्री प्लस टी अभी टी की वैल्यू आपने पता चल गई है तो टी का वैल्यू इज़ वॉट एवरी वन टी का वैल्यू इज सिक्स तो लेट्स पुट द वैल्यू योर एस इज इक्वल टू थ्री प्लस सिक्स और एस का वैल्यू आ गया आपके पास नाइन एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड एंसर ये आपका required answer हो गया simple, sorted, easy, piezy, lemon squeezy, चलो बताओ clear हुआ कहीं कोई दुख-तकलीफ कहीं कहीं कोई डाउट, कहीं कोई प्रॉब्लम तो मैम इज देर टू क्लियर अप ईच एंड आई होप सभी को क्लियर है कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कोई डाउट वाली बात नहीं है पक्का श्योर एवरी वन इफ़ एनी वन इज़ हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम तो आप मुझे बता सकते हैं मैं अभी आप सभी लोगों का डाउट हुई वो वन गो में क्लियर कर दूंगी ऐसे चलो बताओ बताफट से कोई दिक्कत तकलीफ कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट है अभी आप सभी लोगों का डाउट क्लियर कर देते हैं एवरी वन फास्टर आई होप सभी को समझ में आ गया है कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कोई डाउट वाली बात नहीं है वेरी नाइस nice. चलो फिर इसी के साथ एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं जिससे और बेटर आपको एक आइडिया लग जाएगा और बेटर चीजें समझ में आ जाएंगी सो अनदर क्वेश्चन इज योर एवरी ध्यान से देखेंगे हाउ यू विल बी गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिल्कुल फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ कहीं कोई दिक्कत हो कहीं कोई दुख तकलीफ हो तो डू लेट मी नो आई लव टू क्लियर इट आप चलो मैम ने नेक्स्ट कलर चेंज कर लिया है चलिए तो पहली इक्वेशन है आपके पास थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन ऑल राइट नेक्स्ट है आपके पास नाइन एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन एवरी वन दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू एवरीबरी थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन नाइन एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू एवरीबरी सॉर्टेड है क्लियर है चलो अब क्या करना आइदर फाइंड द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन वन और फ्रॉम लाइक टू अब आप एक काम और कर सकते हो इक्वेशन टू को थोड़ा छोटा कर सकते हो मुझे दिख रहा है इक्वेशन टू में मुझे थ्री कॉमन मिल रहा है आप लोगों को भी दिख रहा है क्या भाई बिल्कुल थ्री कॉमन दिख रहा है मुझे इक्वेशन टू में तो मैं क्या कर सकती हूँ आई कैन टेक थ्री कॉमन फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू तो सबसे पहले तो हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं या फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन तो हमें क्या मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन वन वी कैन फाइंड आउट थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस वाई और एक्स का वैल्यू आ गया थ्री प्लस वाई अपॉन थ्री ये तो आ गई भाई आपकी एक्स की वैल्यू जो कि आपको पुट करनी है फर्दर लेकिन अभी हमें पता है कि हम इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं थ्री को कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बच जाएगा थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन तो ये कितना हो गया आपका थ्री हो गया जो कि आपको मिला थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री विच इज योर सेकेंड इक्वेशन जो कि आपकी सेकेंड इक्वेशन है सॉर्टेड है क्लियर है कोई दुख तकलीफ वाली बात नहीं कोई डाउट वाली बात नहीं बहुत बढ़िया अब क्या करना है पुटिंग एक्स इन इक्वेशन टूटिंग एक्स इन इक्वेशन टू एवरीबडी क्या करना है तो आपको क्या मिल जाएगा वॉट यूलबडी क्या करना है आपको एक्स इज ये दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू एवरीबडी थ्री एक्स का वैल्यू है थ्री प्लस वाई अपॉन थ्री एवरी वन देखो right? so no, <laughs> right. तो यारचा 3 3 हमारे पास थ्री प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री वाई से वाई कैंसिल हो गया कोई वेरिएबल ही नहीं बचा लेकिन स्टेटमेंट हमारा ट्रू आया है स्टेटमेंट ट्रू आया है दैट मीन दिस पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी हैविंग इनफाइनाइटली क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में इसको डिटेल में पढ़ा है कि जब भी हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते करते हमारे पास अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां पर कोई वेरिएबल नहीं बचता है लेकिन जो आपका स्टेटमेंट आता है वो ट्रू स्टेटमेंट होता है थ्री इज इक्वल टू थ्री अगर ये होता है टू इज इक्वल टू थ्री तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता

टू क्लियर अप इच एंड एवरी डाउट ऑफ योर एवरी वन सॉड है क्लियर है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है पक्का एवरी वन इज इट क्लियर वंडरफुल 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 तो चलो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं लेट्स मूव फर्दर एवरी वन ध्यान से देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है या फिर क्या कर सकते हैं हाउ वी कैन Decimal तो हमें नहीं आता डेसिमल तो देखते ही हमें डर लग जाता है हम डेसिमल क्वेश्चन कैसे करेंगे बहुत ईजी है लिटरली बहुत जैसे आपने किया था बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है प्रीवियस क्वेश्चन जैसे किए थे बिल्कुल उसी तरीके से करना है डेसिमल देखो मेरे को सब में दिख रहा है की एक एक डिजिट के बाद ही डेसिमल है देखो सब में दिख रहा है हर एक टर्म में दिख रहा है की सिर्फ एक एक डिजिट के बाद ही डेसिमल है तो हम सारे डेसिमल को कॉमन ले लेसिमल ले उड़ा दे सिंपल अगर डेसिमल से डर ही लग रहा है तो चलो डर को ही गायब कर देते हैं क्या करते हैं कि हम हमारा डेसिमल हैं यहाँ पे सब पे वन डिजिट के बाद ही डेसिमल लगा हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है सब में से डेसिमल ले कॉमन और बाद में सारे डेसिमल्स को उड़ा दो सिंपल स्टार्टेड चलो तो फिर गेट स्टार्टेड एवरीबॉडी सो हमारे पास ये है जीरो पॉइंट टू एक्स प्लस जीरो पॉइंट थ्री वाई इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री राइट तो अगर मैं यहाँ पर जीरो पॉइंट ले लेती हूँ तो वॉट यूटिंग टू टू पॉइंट फाइव वाई अगर मैं टेन का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और एज कॉमन ले लेती हूँ तो ये मेरी दो इक्वेशन आ गई सिंपल है अब किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दीजिए उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए वही सेम कहानी रिपीट होती जाएगी रिपीट होती जाएगी रिपीट होती जाएगी और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा आपको आपका आंसर मिल जाएगा सोल्यूशन मिल जाएगा तो चलो लेट्स इट अप कितना हो जाएगा अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालती हूँ तो थर्टीन माइनस थ्री वाई और x का वैल्यू आ गया आपके पास थर्टीन माइनस थ्री वाई अपॉन टू दिस इज योर एक्स का वैल्यू एवरी वन सॉर्टेड है क्लियर है एक्स का वैल्यू कितना आपके पास थर्टीन माइनस थ्री वाई अपॉन टू एवरी वन क्लियर शॉर्टेज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई अब क्या करना है बस ले जाकर इस इक्वेशन इस वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर टू में तो जब आप इसको इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यू विल बी गेटिंग फोर अभी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है इस वाली इक्वेशन मे आम नॉट फाइंडिंग एनीथिंग कॉमन तो कॉमन तो फिर नहीं ले पाएंगे एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं दैट इज थर्टीन माइनस थ्री बाय अपॉन टू प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री एवरी बारी सो क्लियर है चलिए टू से फोर कैंसिल हो गया टू टाइम्स आपको क्या मिल गया टू इन टू थर्टीन गेटिंग ट्वेंटी सिक्स माइनस सिक्स वाई प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री यू विल बी गेटिंग ट्वेंटी सिक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री समझ में आ रही है चीजें ध्यान से देखेंगे कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं और जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो वाई का वैल्यू यू विल बी गेटिंग थ्री एवरी तो सिंपल सॉर्टेड वाई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर ही चुके हैं बस ले जाओ इस वाई को और यहाँ एक्स में पुट कर दो आपको आपका आंसर मिल जाएगा एक बार दूसरी इक्वेशन में पुट करो जो वैल्यू आ रही है उसको ले जाके एक्स में पुट कर दो यू विल बी गेटिंग अप योर आंसर ईजी तो एक्स का वैल्यू हमने क्या लिया था थर्टीन माइनस थ्री वाई अपॉन टू नोट हैविंग तो एक्स का वैल्यू हमने क्या लिया था दैट वॉज

तो जब आप y की वैल्यू पुट करोगे y का वैल्यू आप क्या निकाले हैं थ्री

बस यही आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन में करना है सभी को समझ में आ गई बात कहीं कोई दुख तकलीफ है कहीं कोई दिक्कत है कहीं कोई डाउट है भाई जल्दी से बता दो प्रियल मैम विल गोना लव टू क्लियर योर डाउट बड़ी खुशी होती है जब आप अपने डाउट्स पूछते हैं लिटरली आई फील वेरी नाइस एंड वेरी हैप्पी आई जस्ट फील लाइक आर इंटरकनेक्टेड आप सब चीजों को समझ रहे हैं आप सब चीजों को जान रहे हैं समझ रहे हो चलो जल्दी जल्दी से बताओ इज इट क्लियर टू एवरी वन कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कोई डाउट वाली बात नहीं है पक्का श्योर एवरी वन क्लियर हो गया चलो बहुत बढ़िया इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैम रूट आ गया मैम हमें अभी डेसिमल से डर लग रहा था अब रूट के देखो जैसे डेसिमल से डर लग रहा था लेकिन जैसे ही डेसिमल वाला क्वेश्चन हुआ यार ये तो बहुत इजी था यही यही ये यह रिएक्शन था आप लोगों का सेम जैसे रूट को देखकर डर लग रहा है लेकिन जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रियल मैम उतना ही ईजी लगने वाला है एंड आई प्रोमिस एवरी वन आई लिटरली प्रोमिस फ्रॉम यू ऑल चलो अभी देखो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे सेम इक्वेशन वन हो गए इक्वेशन टू हो गई है सी की वैल्यू जीरोन रूट टू कोई दशक कोई दिक्कत कोई दुख तकलीफ बता दो भाई इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं एक्स की वैल्यू हमने पुट कर फाइंड आउट कर दी पुटिंग एक्स इन इक्वेशन टू x का वैल्यू हम इक्वेशन टू में पुट करते हैं तो जब आप पुट करेंगे व्हाट यू विल बी गेटिंग एवरीबॉडी रूट थ्री एक्स का वैल्यू कितना है आपका दैट इज माइनस का रूट थ्री वाई अपॉन रूट टू एवरी राइट इनटू सॉरी माइनस का रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरो चलिए भाई सॉल्व कर दिया जाए इसको तो ये कितना हो गया थ्री इंटू थ्री विल बी रूट थ्री इंटू विल बी गेटिंग माइनस का थ्री अपॉन रूट टू माइनस का रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरो वेन यू विल बी गोइंग टू सॉल्व दिस जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए आपको कितना मिल गया माइनस का थ्री वाई माइनस का एट विल बी रूट सिक्सटीन वाई अपॉन रूट टू इज इक्वल टू जीरो एवरीबडी हम सभी को पता है इसको मैं नेक्स्ट पेज पर पे लिखूंगी माइनस का थ्री वाई माइनस रूट सिक्सटीन वाई अपॉन रूट टू इज इक्वल टू जीरो सम वर्ट दिस वॉज था ना हाँ ठीक है तो हमें पता है रूट सिक्सटीन क्या हो जाता है भाई ये तो फोर के इक्वल है माइनस थ्री वाई माइनस फोर वाई इस रूट टू को यहाँ जीरो में भेज दिया इज इक्वल टू जीरो कितना हो गया माइनस का सेवन वाई इज इक्वल टू जीरो और वाई का वैल्यू आ गया आपका जीरो टेन टिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट और आपने यहाँ पर अपने वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया इजी पीसी लेमस को ईजी अब क्या करना है इस वाई के वैल्यू को पुट कर दो नेक्स्ट इक्वेशन में लाइक एक्स के वैल्यू पर Y. आप चाहो तो आप इसको इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो और else जो आपने यहां पर अपना ये, x का इसमें एक्स में पुट कर रही हूं तो हमें पता है x का हमने क्या कैलकुलेट uh, किया था आई नीड टू चेक इट वाइनस रूट थ्री वाई अपॉन रूट टू माइनस रूट थ्री वाई अपॉन रूट टू एवरी वन राइट तो चलो कितना हो गया x इज इक्वल टू माइनस का रूट थ्री वाई का वैल्यू इज जीरो अपॉन रूट टू ज़ीरो अपॉन रूट टू दैट इज इक्वल टू जीरो तो x का वैल्यू भी जीरो आया और बचा वाई का वैल्यू भी ज़ीरो आया दिस इज योर आंसर हेंस x एंड y इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज योर आंसर ये आप सभी लोगों का आंसर हो गया चलो जल्दी से बताओ कहीं कोई दुख तकलीफ है कहीं कोई डाउट है कहीं कोई शक है कोई दिक्कत कोई दुख तकलीफ़ तो आई एम देयर टू क्लियर आप ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स जल्दी से बता दो जल्दी से पूछ लो कोई प्रॉब्लम है तो अभी मैं क्लियर कर देती हूँ फास्टर एवरी वन कोई कन्फ्यूजन है कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए आई एम देयर टू क्लियर आप ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स आई होप इतना क्लियर है कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कोई डाउट वाली बात नहीं है पक्का श्योर एवरी वन कन्फर्मेशन एक बार योज दे दीजिए चैट बॉक्स में एक बार कन्फर्मेशन दे दीजिए सो दैट प्रियल मैम को भी एक आइडिया लग जाए कि हाँ आप लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग इट इन अ बेटर मैनर और एल्स आप सभी लोग चाहते हैं तो हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे और बेटर क्लियर समझ में आ जाएगा थ्री एक्स अपॉइंट टू माइनस मैम ये तो फ्रैक्शन आ गया डेसिमल भी कर लिया रूट भी कर लिया अब फ्रैक्शन भी कर लेते हैं अगर वो हो गए तो ये भी बहुत जल्दी से हो जाएंगे हाँ तो चलो अभी देखो ध्यान से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ इक्वेशन नंबर वन गिवेन है इक्वेशन नंबर टू गिवन है अगेन आई डू द सेम इक्वेशन वन में से क्या करूंगी एक्स की वैल्यू निकाल के इक्वेशन टू में पुट कर दूंगी तो ये कितना हो जाएगा आपका इट विल बी थ्री एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस टू प्लस फाइव वाई अपॉन थ्री थोड़ा सा थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्स का वैल्यू तो अभी ये कितना हो गया आप चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं माइनस सिक्स प्लस फाइव वाई अपॉन थ्री हो गया जब आप इस टू को यहाँ पर भेजेंगे और थ्री को यहाँ पर भेजेंगे कितना अपॉन थ्री अभी ये ऊपर चला गया ये इधर आ जाएगा ये भी इंटू थ्री में हो जाएगा बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए एक्स का वैल्यू आ गया आपके पास माइनस का ट्वेल्व प्लस कितना हो गया ये टेन वाई अप 9. ये आपके एक्स का वैल्यू है एवरीवन दिस इज व्हाट दिस इज योर एक्स का वैल्यू इसको पुट कर दो इक्वेशन टू में पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू बस इक्वेशन टू में आपको वैल्यू पुट करनी है और आप सभी को आपका आंसर मिल जाएगा यू विल बी गेटिंग अप योर आंसर वेरी वेरी इजली ठीक है समझ कर कोई कंफ्यूजन वाली बात कोई डाउट वाली बात है तो आप मुझे बता सकते हैं आई एम देर टू क्लियर अपई एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स ओके तो अभी यू हैव टू ट्राइड बाई योर सेल्फ आई विल बी नीडिंग द आंसर फ्रॉम यू ऑल इन द कॉमेंट सेक्शन एक बार खुद से ट्राई करना और इसका आंसर मुझे कॉमेंट्स में जरूर चाहिए आप सभी लोगों से मिस करना नहीं है ठीक है अभी सेम क्वेश्चन है यहाँ पर टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू इलेवन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं सॉल्व टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू इलेवन एंड टू एक्स माइनस फोर वाई इज ईक्लवल टू माइनस का ट्वेंटी फोर एंड हैंस फाइन द वैल्यू ऑफ एम पॉ विच वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री चलिए तो एक इक्वेशन है आपके पास टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू इलेवन जिसमें अगर आप x का वैल्यू कैलकुलेट करोगे टू एक्स इज इक्वल टू इलेवन माइनस थ्री वाई और x का वैल्यू हो गया आपके पास इलेवन माइनस थ्री वाई अपॉन टू दिस इज योर x का वैल्यू एवरी वन ये आपकी x की वैल्यू आ गई ठीक है अब क्या करना है इस x की वैल्यू को पुट कर देते हैं पुटिंग x ये आपकी नहीं 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 This is your first equation. This is your second equation. Putting x in equation 2 तो so, जब आप इस x को इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा एवरीवन ध्यान से अभी देखो इक्वेशन टू को हम थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकते हैं दिस इज योर इक्वेशन टू इसको रिड्यूस कैसे करेंगे आप टू कॉमन ले लीजिए एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस का ट्वेंटी फोर टू से ट्वेंटी फोर कैंसिल हो गया गेटिंग माइनस का ट्वेल्व एवरी वन तो आपके पास इक्वेशन टू क्या आ गई एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस का ट्वेल्व बस अब क्या करना है जो भी आपने वैल्यू कैलकुलेट करी है इस इक्वेशन में पुट कर दो दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू तो जब आप यहाँ पर पुट करेंगे इलेवन माइनस थ्री वाई अपॉन टू माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस का ट्वेल्व जस्ट यू विल बी गोइंग टू सॉल्व दिस करने के लिए आई एम हैविंग अनदर पेज

इलेवन माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू टू विल गो हियर दैट इज माइनस का ट्वेंटी फोर माइनस का सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस का ट्वेंटी फोर ये इलेवन जब इधर आ जाएगा आपका बन जाएगा माइनस का इलेवन कितना हो गया ये माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस का थर्टी फाइव माइनस से माइनस कैंसिल सेवन वाई इज इक्वल टू थर्टी फाइव और वाई का वैल्यू हो गया आपके पास फाइव एवरी वन वाई का वैल्यू क्या आ गया वाई का वैल्यू हो गया आपके पास फाइव सिंपल एंड सिंपल एंड सॉर्टेड, गॉट इट क्लियर है कोई इलेवन माइनस थ्री वाई अपॉन टू एवरी वन तो अभी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू इलेवन माइनस थ्री इन फाइव अपॉन टू

वल टू एम एक्स प्लस थ्री है आपको m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने पता है कि अभी आपने y की वैल्यू निकाल ली आपने x की वैल्यू निकाली दैट वॉज फाइव एंड माइनस टू जस्ट वुट द वैल्यू एंड विल बी गेटिंग अप योर answer y का वैल्यू इज five इज इक्वल टू m x का वैल्यू इज minus two plus का three कितना हो गया five is equal to minus का two m plus का three माइनस टू एम विल बी इक्वल टू टू और एम का वैल्यू आ गया आपके पास माइनस का वन दिस इज़ हाउ यू विल बी गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जहाँ पर एम का वैल्यू आपको माइनस वन के इक्वल मिल गया सॉर्टेड है क्लियर है कोई दिक्कत वाली बात कोई कंफ्यूजन वाली बात है आप मेरे से पूछ सकते हैं आई एम देयर टू क्लियर आप ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर एवरी बारी एम इज इक्वल टू माइनस वन इज क्लियर सभी को गिव गिव मी मी सम सम थम्स इन द चैट बॉक्स सो दैट मैम को भी क्लियरली समझ में आ जाए कि हाँ उनके बच्चे पार्टी को समझ आ रही है चीजें तो गाइज जैसे कि हमने 3.3 के जो सब्स मेथड के हमारे बेसिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेश थी वो हमने करना सॉल्व करना सीख लिया था आज की क्लास में जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हुए थे एक्सरसाइज 3.3 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स बची थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की क्लास में वो सारी की सारी वन वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी वन गो में क्लियर होने वाली है तो जितने भी बच्चे हैं जल्दी से जाइए अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए क्लास में वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स लोगों से और उनसे बोल दीजिए कि भाई प्रियल मैम आ गई है बहुत सारे क्वेश्चंस लेके बारी है आप सभी लोगों की क्वेश्चन को कुछ मेरे साथ सॉल्व करने के लिए और हमेशा याद रखना है मैथ्स की कोई भी क्लास हो मेक श्योर दैट यू आर सिटिंग विद अ पेन एंड नोटबुक बिकॉज वो बहुत जरूरी है जब तक आपके पास पेन और नोटबुक नहीं होगा तब तक अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे हाउ यू गाइज कैन रिलेट द मैथ्स देन राइट बस मैम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करिए आप बस बैठे बैठे मैम को देख रहे हो कि अच्छा हाँ ठीक है ऑल राइट मैम इसके बाद हमने ये स्टेप किया वो स्टेप किया लेकिन जब फिर आप उस क्वेश्चन को बैठोगे सॉल्व करने के लिए उस समय आपको उस क्वेश्चन को याद कौन दिलाएगा

वर्ड प्रॉब्लम्स हम कवर अप करने वाले हैं मेक श्योर दैट यू गाइज आर एक्टिव मेक श्योर दैट यू गाइज आर लाइक बिल्कुल आप फुल uh, कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये पूरा का पूरा सेशन एंड तक देख रहे हो कोई भी बच्चा बीच में सेशन को छोड़ के नहीं जाएगा यू हैव टू मेक दिस थिंग वेरी वेरी क्लियर कि आपको अपने वर्ड प्रॉब्लम सारे के सारे मेरे साथ सॉल्व करने हैं सॉर्टेड है क्लियर है चलिए तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं लेट्स मूव फर्दर एंड हियर यू गो फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर

ठीक है तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज ट्वेंटी करते हैं लेट द फर्स्ट नंबर लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स आपने लेट कर लिया कि आपका पहला नंबर एक्स है सेकेंड नंबर विल बी एंड द सेकेंड नंबर बी वाई

टू दैट इज एक्स का वैल्यू इन इक्वेशन वन एवरी वन तो जब आपके पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा वॉट यू विल बी गेटिंग आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी दैट वॉज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स

दिस इज़ योर एक्स का वैल्यू ये आपकी एक्स की वैल्यू हो गई कोई कन्फ्यूशन है इतने इतने पोर्सन में कोई डाउट है कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं आई एम देअर टू क्लियर अप ऑफ ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर दिस इज योर एक्स का वैल्यू एंड दिस इज़ योर वाई का वैल्यू वाई की वैल्यू हो गई थर्टीन और एक्स की वैल्यू हो गई आपके पास थर्टी नाइन उट है, sort of sort of है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों पाटी आई एम देर टू क्लियर अपी डाउट ऑफ योर वॉट वॉज योर क्वेश्चन फाइंड दमस टू नंबर्स आरस द नंबर्स आर हैं नंबर्स आर थर्टीन एंड थर्टीन नाइन दिस इज हाउ यू विल बी गोइंग टू सॉल्व दिस अपनी चलो बताओ सभी को समझ में आई ये बात नहीं आई आई कितनी आई कहीं पर कोई डाउट आ रहा है कहीं पर कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो मैं बिल्कुल ट्राई करती हूँ कि आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन सारा का सारा डाउट में क्लियर हो जाए इज इट क्लियर इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर अगर हाँ तो मी समम्स अपन द चैट बॉक्स के मी समोज इन द चैट बॉक्स जैसे कि मैम को भी पता चले कि हाँ आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिंग्स वेल कम ऑन एवरी वन जल्दी जल्दी इसे भेज बता दीजिए आई एम देर टू क्लियोर अपच एंड एवरी डाउट ऑफ योर एवरी वन फास्टअप आई होप इथ द्लोर है कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है पक्का श्योर एवरीबडी इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं

अब आगे तो वो यूज ही नहीं होना इट्स योर सबसे बड़ी मिस्टेक इट्स योर सबसे बड़ी गलती ऐसा नहीं है आपने अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है मैथ्स का दैट मीन्स वो कॉन्सेप्ट आपको फरेवर तक आना चाहिए क्योंकि उस कॉन्सेप्ट की कोई लिमिट नहीं है वो कभी भी और कहीं पर भी और कैसे भी आप सभी के सामने आ सकता है यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर इट तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं सम ऑफ टू टू एंगल्स इज इक्वल

x प्लस वाई इज इक्वल टू हंड्रेड एंड एटी डिग्रीज ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर वन कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें सॉर्टेड है एक्सीड से स्मॉलर बाय क्या कह रहा है तो लार्जर एंगल जो है वो छोटे एंगल को एक्सिड कर रहा है 18 डिग्री से ध्यान से समझेंगे जो लार्जर एंगल है वो छोटे एंगल को exceed कर रहा है 18 से एवरीवन दिस माइट बी योर सेकंड इक्वेशन एवरीवन अब चाहो तो इसको प्रॉपर इक्वेशन में लिख सकते हो x y is equal to 18 मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मुझे वापस से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ देयर राइट तो अब यहाँ लिखेंगे यूजिंग The substitution method by using the substitution method. So, जब आप यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो अब आपका क्या हो जाएगा आपने इक्वेशन नंबर टू में जो आपकी एक्स की वैल्यू उसको जाके बस वन में आपको पुट कर देना है तो हम क्या करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन इन इक्वेशन वन बस आपने इक्वेशन वन में पुट कर देना है जब आप उसको पुट कर देंगे आपको आपका सोल्यूशन देखने लग जाएगा तो आपकी इक्वेशन क्या थी एक्स प्लस वाई से बता दो कुछ इसी तरीके की थी आपकी चलिए और दूसरी आपके जो एक्स का वैल्यू जो आ रहा था बस क्या करना है ये वाली वैल्यू ले जाके यहाँ पर पुट कर देनी है और आप सभी को आपका आंसर मिल जाएगा तो ये कितना हो गया एक्स की जगह पर पुट करना है

ये आपके x का वैल्यू हो गया दिस इज योर आंसर एंसर्ट एंसरा इजी पीजी लेमन स्क्वीजी एवरी चलो जल्दी से बता दो क्लियर हुआ कोई कंफ्यूजन है कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है तो आई एम देर टू क्लियर इट अप एवरी वन मैं आपके सारे डाउट्स अभी फट से क्लियर कर देती हूँ जल्दी से बता दो x इज इक्वल टू नाइनटी नाइन आ गया y इज इक्वल टू एटी वन आ गया अगर आपके दिमाग में अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो आप अपने डाउट को कैसे चेक कर सकते हो आप अपने डाउट को चेक कर सकते हो क्वेश्चन में कहा था कि दोनों एंगल जो है सप्लीमेंट्री है अगर मैं x plus y कर दूं तो मुझे वो 180 के इक्वल मिलना चाहिए लेट्स डू इट अब 99 plus 81 जब आप करेंगे तो आपको 180 के इक्वल मिल जाएगा दैट मींस आपका आंसर जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आपका आंसर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है चलो बताओ जल्दी से समझ में आई बात कहीं कोई कंफ्यूजन है दिमाग में कहीं कोई डाउट है दिमाग में तो आप मुझे बता सकते हैं आई एम देयर टू क्लियर अप ईच एंड एवरी डाउट ऑफ yours कम ऑन जल्दी से बताओ कम ऑन एवरी वन जल्दी जल्दी से बताइए एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन एनी सॉर्ट ऑफ डाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम आई एम देअर टू क्लियर इट अप एवरी वन आई होप इतना जल्दी से थम्स अप से दो फास्टर एवरी वन शॉर्टेड है क्लियर है आगे बढ़ जाए शेल बी मूव फर्दर एवरी वन वंडरफुल इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा भी दिमाग में अगर डाउट रह गया होगा तो आई ट्राई कि वो भी बिल्कुल आपके दिमाग से निकल जाए बिल्कुल क्लियर हो जाए इट्स वेरी ईजी बट थोड़ा सा ध्यान देंगे किस तरीके से चीज़ें काम एंड यू गाइज आर रेडी टू गो दैट्स इट एवरी वन तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन योर स्क्रीन ध्यान से समझेंगे कैसे काम हो रहा है कैसे चीज़ें चल रही हैं कोई भी कन्फ्यूजन हो कोई भी डाउट हो जस्ट मिनट लेट मी टेक आउट दिस वायर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या कह रहा है कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय सेवन बैट्स एंड सिक्स बॉल्स फॉर रुपीज थर्टी एट हंड्रेड बहुत अच्छी बात है एक कोच ने सेवन बैट्स और सिक्स बॉल्स को बाय किया थर्टी एट हंड्रेड रुपीज में लेटर शी बाइज थ्री बैट्स एंड फाइव बॉल्स फॉर रुपीज

x rupees and the cost of balls be y rupees everyone let the cost of bats be x rupees and the cost of uh, balls be y rupees हमने मान लिया अब according to the question चलते हैं जो भी question के scenario है जो भी question की situation है उसके according seven bats हैं और six balls हैं seven bats हैं और six balls हैं जिसकी cost है आपकी thirty eight hundred sorted है की हो गई आपकी पहली इक्वेशन क्वेश्चन में कह रहा था सेवन बैट्स एंड सिक्स बॉल्स कॉस्ट रुपीस थर्टी एट हंड्रेड सिमिलरली दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी थ्री बैट्स हैं आपके पास और फाइव बॉल्स हैं जिसकी कॉस्ट है सेवनटीन फिफ्टी आई रिपीट सेवन बैट्स और सिक्स बॉल्स की कॉस्ट है थर्टी एट हंड्रेड और थ्री बैट्स और फाइव बॉल्स की कॉस्ट है सेवनटीन फिफ्टी इतना सॉर्टेड है इतना क्लियर है कोई प्रॉब्लम वाली बात कोई डाउट वाली बात तो पूछ सकते हो आई एम देयर टू क्लियर अप ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स आई होप इतना क्लियर है ये दोनों इक्वेशन अब क्या करोगे किसी आईधर फर्स्ट इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो या फिर वाइस वर्सा या तो आप सेकेंड इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की आधर एक्स और वाई एज पर यू लाइक एज पर योर कन्वीनियंस एज पर योर ईजी जोन आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो जो भी आपका फेवरेट वेरिएबल है और उसको ले जाके दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो आपके पास पूरी एक सिंगल इक्वेशन सेम वेरिएबल में आ जाएगी और जब आपके पास एक पूरी इक्वेशन सेम वेरिएबल में आ जाएगी तो उसको सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल है ऑलराइट right, चलो तो फिर एक काम करते हैं हम यही सेम चीज करते हैं वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं आ, हमारे आ, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ तो लेट मी राइट द इक्वेशन फर्स्ट यो दैट इज सेवन एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू थर्टी एट हंड्रेड एवरी वन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं या वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर अ चेंज सिक्स वाई इज इक्वल टू थर्टी एट हंड्रेड माइनस का सेवन एक्स एवरी वन और वाई का वैल्यू हो गया आपका थर्टी एट हंड्रेड माइनस का सेवन एक्स अपॉन सिक्स एवरी वन समझ में आई बात कोई कंफ्यूजन वाली बात है कोई डाउट वाली बात है। हैल्दी जल्दी से फास्टर Y इज इक्वल टू कितना हो गया थर्टी एट हंड्रेड माइनस सेवन एक्स अपॉन सिक्स ये हो गई आपकी y की वैल्यू दिस इज वॉट दिस इज योर y की वैल्यू एवरी वन कोई कंफ्यूजन वाली बात कोई डाउट वाली बात चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अब क्या करेंगे y में कर दो क्योंकि one से तो आपने वैल्यू ही फाइंड आउट किया तो इक्वेशन वन आपकी टू इक्वेशन क्या थ्री एक्स प्लस टू सेवन एवरी वन ले कितना हो गया आपके पास थ्री एक्स

नाइनटीन थाउजेंड माइनस थर्टी फाइव एक्स इस सिक्स को मैं यहाँ भेज दे रही हूँ तो मल्टीप्लाई होकर हो गया ये टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एवरी वन जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा यू विल बी गेटिंग समथिंग एटीन एक्स माइनस थर्टी फाइव एक्स यू विल बी गेटिंग माइनस का सेवेंटीन एक्स नाइनटीन थाउजेंड जब इधर चला जाएगा माइनस यू विल बी गेटिंग एट्टी फाइव हंड्रेड माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल और आपके पास एक्स का वैल्यू आ गया एट्टी फाइव हंड्रेड अपॉन सेवनटीन दैट विल गोना गिव यू फाइव हंड्रेड

आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो जब आप वाई की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ हेअर आई एम पुटिंग अप द वैल्यू वाई विल बी इक्वल टू थर्टी एट हंड्रेड माइनस सेवन इंटू फाइव हंड्रेड अपऑन सिक्स बच्चा और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपके पास जो वाई का वैल्यू आएगा दैट विल बी फिफ्टी रुपीज़ एवरी वन हैंस वी विल गोना से कि आपके बैट का जो कॉस्ट है दैट इज रुपीज इक्वल टू फाइव हंड्रेड दस इज फाइव हंड्रेड बच्चा ठीक है और जो बॉल का कॉस्ट है आपका दैट इज रुपीज फिफ्टी तो कहां लिखा जाए स्टेटमेंट को लेट मी टेक अनदर कलर रेड कलर ले लेते हैं इसको मैं इरेज कर देती हूं चलिए हेंस हेंस द कॉस्ट ऑफ बैट इज रुपीज फाइव हंड्रेड एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल इज रुपीस फिफ्टी दिस इज हाउ वी हैव सोल्व दिस क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम कोई डाउट तो मुझे जल्दी से बिता दो जल्दी से बिताओ समझ में आया कम ऑन कम ऑन एवरी वन जल्दी जल्दी से बताओ इतना क्लियर हो गया कोई कंफ्यूजन है कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी आप सभी लोगों का डाउट क्लियर कर देती हूँ स्टिल इफ यू गाइज आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स और इन द कॉमेंट सेक्शन आई गोना लव टू क्लियर इट अप कोई भी डाउट है कोई भी दिक्कत है आप मेरे से पूछ सकते हैं प्रियल मैम विन लव टू क्लियर अप ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स आई होप इतना क्लियर हो गया है किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं है कोई डाउट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है दिस आर आर योर आंसर्स Y का 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 वैल्यू वैल्यू 50 आगे, X 500 सॉर्टेड है, 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 क्लियर चलो, इसी के साथ जाते हैं एक्सरसाइज 3.3 नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, सिटी कंसिस्ट ऑन चार्ज द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर

ऑल राइट तो लेट्स गेट स्टार्टेड सॉल्व करते हैं ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व हो जाएगा ये लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज एंड द पर किलोमीटर चार्ज बी वाई रुपीज फिक्स्ड चार्ज भी एक्स रुपीज एंड दी पर किलोमीटर चार्ज भी वाई रुपीज़ एवरी वन समझ में आ गई चीज़ कोई कंफ्यूजन है कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है आप मुझे बता सकते हैं आई एम देयर टू क्लियर अप योर डाउट अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है फॉर द डिस्टेंस ऑफ टेन किलोमीटर चार्ज पेड इज रुपीज हंड्रेड एंड फाइव दस किलोमीटर 10 जब वो चल रहा है मतलब फिक्स चार्ज तो एक देना ही है उसे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं लिख लूँ तो फिक्सड चार्ज तो उसको देना ही है अब आगे वो जितना भी चल रहा है पर किलोमीटर के हिसाब से उसको पेमेंट करना है तो वो दस किलोमीटर चला है टेन वाई हो गया अब किलोमीटर के हिसाब से उसका पैसा कैलकुलेट करेंगे टोटल पैसा जिसने दिया है दैट इज हंड्रेड एंड फाइव रुपीज सॉर्टेड है फॉर अ जर्नी ऑफ फिफ्टीन किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज वन फिफ्टी फाइव अब अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्या उतना हो जाएगा अब पंद्रह किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो उसने चार्ज पे किया है दैट इज रुपीज वन एक्स प्लस टेन वाई इज इक्वल टू वन जीरो फाइव दिस इज योर फर्स्ट वन एंड अदर वन इज एक्स प्लस इक्वल टू वन फिफ्टी फाइव दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ये हमने फर्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया ये हमने सेकेंड इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया अब सब्सिट्यूशन से सॉल्व करना है दैट सॉल्व यू है फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स का वैल्यू निकाल दो उसको सेकेंड में पुट कर दो सेकंड में से फर्स्ट का एक्स का निकाल दो या वाई का निकाल दो इट्स टोटली योर चॉइस आपकी चॉइस है इसमें कोई इफ एन बट वाली बात नहीं है ठीक है सॉर्टेड है चलो तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं

इज इक्वल टू 155 फिफ्टी फाइव और एक्स की वैल्यू क्या निकाली है वन जीरो फाइव माइनस टेन वाई एक्स की वैल्यू है वन जीरो फाइव माइनस का टेन वाई लेट्स पुट दिस वैल्यू हियर इन दिस इक्वेशन तो कितना मिल जाएगा आपको ये हो गया आपका वन जीरो फाइव माइनस का टेन वाई प्लस का फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव जब आप इसको सॉल्व करेंगे वन प्लस

तो मतलब y वॉज योर पर किलोमीटर का चार्ज तो पर किलोमीटर का जो चार्ज लग रहा है एवरीबडी दैट इज रुपीज टेन ठीक है अभी हम फिक्स्ड चार्ज निकालेंगे कि हमारा फिक्स्ड चार्ज क्या है इसको अच्छे से समझ लेंगे बिल्कुल फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ कि फिक्स्ड चार्ज कैसे निकलेगा अभी हमें पता है ये रही हमारी एक्स की वैल्यू तो बस यहीं पर ले जाकर अपनी वैल्यूज पुट कर दो आपके पास आपका फिक्स्ड चार्ज का वैल्यू फिक्स चार्ज का जो अमाउंट है वो निकल के आ जाएगा तो फिक्सड चार्ज क्या है आपके पास यहाँ पर ध्यान से देखेंगे फुल कॉन्सेंट्रेशन के

एनी कंफ्यूजन एनी सॉर्ट ऑफ डाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम आप मुझे बता सकते है आई एम देर टू क्लियर इट अप एवरी बड़ी फास्टर जल्दी से बताओ कहीं पर कुछ अटक रहे हो कहीं पर कोई डाउट है कहीं पर कोई प्रॉब्लम है कम ऑन जल्दी से बताओ इतना क्लियर हुआ कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं आई एम देयर टू क्लियर इट अप ईच एंड एवरी वन आई होप क्लियर है गिव मी सम थम्स इन द चैट बॉक्स गिव मी एम योज इन द चैट बॉक्स जैसे कि मैम को पता चले कि हाँ आप लोगों को चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग इट इन अ बेटर वे कम ऑन आई होप सबको समझ में आ गई है बात कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं कोई डाउट वाली बात नहीं वेरी नाइस nice. इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर ऑन योर स्क्रीन ध्यान से समझेंगे किस तरीके से आप इसको सॉल्व करने वाले हैं अ फ्रैक्शन बिकम्स अपॉन इफ इज एडेड टू द बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ध्यान से समझो क्या क्वेश्चन कह रहा है क्या क्वेश्चन आपसे चाहता है कि आप उसकी हेल्प करो अ फ्रैक्शन बिकम्स नाइन अपॉन इलेवन इफ टू इज न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई और

ऐड कर रहे हो तो आपका जो फ्रैक्शन है वो फाइव पॉइंट सिक्स के इक्वल हो जा रहा है दैट्स इट तो अभी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई विल बी गोना डू कितना हो जाएगा इलेवन इज इनटू टू एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू नाइन वाई प्लस टू कितना हो गया आपके पास इलेवन एक्स प्लस इलेवन इंटू टू विल बी गेटिंग ट्वेंटी टू प्लस का एटीन लाइक अनलाइक इधर उधर ले जाओ यू विल बी सॉल्विंग इट अप इलेवन फॉर्म कर ली बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को इसी के साथ भरते हुए हमारी इक्वेशन टू की तरफ तो अगर अब थ्री एड हो रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो फाइव अपॉइन्ट सिक्स के इक्वल आ जा रहा है तो चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर इक्वेशन टू If three is added to both the numerator and denominator, the fraction becomes five upon six. Everybody. So, just now, just cross multiply and solve it. Six into x plus three is equal to five into y plus six. How much will you get? Six x plus eighteen is equal to five y plus thirty. Everyone. Six x minus five y is equal to thirty minus eighteen. So, if I am not wrong, you will be getting 6x minus ka 5y is equal to uh, 12. This is your equation number 2, everyone. On solving equation first and second, you will be getting fraction. अपॉन नाइन मतलब न्यूमरेटर आपको मिल जाएगा सेवन और डिनोमिनेटर मिल जाएगा आपको नाइन आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे इसका मतलब आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है बाकी के दोनों इक्वेशन भी मैम ने फ्रेम करी है दिस इज योर इक्वेशन वन ह्योर इज योर इक्वेशन टू बस वैल्यूज को को करो और आप सभी को आपका आंसर मिल जाएगा सोते थे सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं अच्छी तरीके से कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात है कहीं कोई डाउट वाली बात है कोई चीज नहीं समझ में आ रही है या कुछ पूछना है कुछ बताना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए आई बी लविंग फ्रॉम यू ऑल समझ में आ गई चीज हमने एक्सरसाइज exercise... 3.3 अपनी पूरी कंप्लीट कर ली है substitution method हमें बहुत अच्छी तरीके से आ गया है आई लिए आपके पास काफी सारे मेथड्स होते हैं ग्राफिकल मेथड हम पढ़ चुके हैं सब्सिट्यूशन मेथड हम पढ़ चुके हैं आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड की एंड वन मोर मेथड इज देर दट इज क्रॉस मल्टीप्लीशन लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिलेबस से अभी एलिमिनेट हो गया है दैट इज सी बी एस ई के थ्रू सी बी एस ई ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को आपके सिलेबस से एलिमिनेट कर दिया एलिमिनेशन मेथड इज देयर सब्सिट्यूशन इज देयर एंड ग्राफिकल मेथड इज देयर तो आप सभी लोगों को फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्लास में अटेंटिव रहना है वट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू वट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू बिल्कुल फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझेंगे Alright, just give me a second everyone.

ठीक है तो सबसे ज्यादा वाइडली यूज मेथड जो है दैट इज एलिमिनेशन मेथड जहां पर भी आप क्वेश्चन में फंसोगे आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आ गया और वर्ड प्रॉब्लम में आपके पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गया और आपको उसको सॉल्व करना हुआ तो एलिमिनेशन मेथड इज वाइडली यूज्ड इट इज लिटिल इजी एज कम्पेयर टू सब्सिट्यूशन इट इज लिटल फास्ट सोल्व टाइम बहुत कम लगता है थोड़ा तो जल्दी सोल्व हो जाता है इसलिए ज्यादातर एलिमिनेशन मेथड प्रीफर किया जाता है बट दोनों ही अपनी जगह पर काफी इंपॉर्टेंट है तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीबडी आई एम एक्सपेक्टिंग चैट बॉक सो दैट मैम को पता चल जाए कि हाँ आप सभी लोगों को चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स वेल आपको अच्छी तरीके से हर चीज पता चल रही है तो so, चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर टू एक्स प्लस थ्री वाईज इक्वल टू एट फोर एक्स प्लस थ्री वाई

जब आप उसको करेंगे, तो 2, 2 4X, पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा फोर एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है एट माइनस थ्री वाई अपॉन टू इक्वेशन टू थी हमारी फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू सेवन एवरी वन इसी इक्वेशन में मैम वैल्यू पुट करिए एक्स की जो कि है एट माइनस थ्री वाई अपॉन टू जैसे आपने ये वैल्यू पुट कर दी इधर अब क्या हो गया प्लस का सिक्स वाई पूरी जो इक्वेशन आपने ऊपर लिखी है ये पूरी की पूरी इक्वेशन आपको सिंगल वेरिएबल में मिल गई राइट और नॉट पूरी की पूरी एंटायर इक्वेशन यू आर अ सिंगल वेरिएबल नाउ यू कैन सॉल्व इट अप वेरी इजिली टू से फोर का डिवाइड करेंगे टू हो गया कितना बच्चा आपके पास टू का मल्टीप्लाई एट से जब आप करेंगे यूल बी गेटिंग सिक्सटीन टू का मल्टीप्लाई थ्री वाई से करेंगे माइनस थ्री वाई से करेंगे यू विल बी गेटिंग माइनस का सिक्स वाई प्लस का सिक्स वाई इज इक्वल टू सेवन ध्यान से देखेंगे कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई कंफ्यूजन है जस्ट स्टॉप मी अप Uh, क्या किया मैम ने टू से ये वाला टू कैंसिल कर दिया बच्चा पार्टी आपका नाउ दिस इज वॉट टू इंटू एट बी गेटिंग बी सेवन विच इज फॉल्स स्टेटमेंट एवरी वन जो कि आपका क्या है लेट मी मेक मोर से जो कि आपका फॉल्स स्टेटमेंट स्टेटमेंट मतलब नो सॉल्यूशन पॉसिबल दिस इज नॉट इक्वलो सोल्यूशन पॉसिबल एवरीबर कोई सोल्यूशन इसमें पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आपका जो इक्वेशन है उसमें कुछ आपका बचा ही नहीं चलिए बताइए क्लियर हुई बात सॉर्टेड है कुछ कंफ्यूजन है कुछ डाउट है दिमाग में तो अभी आई देअर टू क्लियर अपई एंड एवरी डाउट ऑफ योर एवरीबरी जल्दी जल्दी से बता दो कहीं पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम वाली बात है कहीं पर भी किसी को कोई डाउट वाली बात है तो मैम अभी आप सभी का डाउट क्लियर कर देती है आई गेस सभी को समझ में आ गया ये स्टेटमेंट है ठीक no है sorted है चलो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं हैं इतना हो रही थी कि रखे वो ही नहीं हुई तो हम बोलेंगे स्टेटमेंट विच वॉज कमिंग दैट वॉज नॉट करेक्ट हेंस इट वॉज अ फॉल्स स्टेटमेंट इट वॉज स्टेटमेंट So, no solutions are possible. जस्ट यू इट एवरीबॉडी। सॉर्टेड है क्लियर है कोई कन्फ्यूजन वाली बात कोई डाउट वाली बात है आप मुझे बता सकते हैं आई एम देयर टू क्लियर अप ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स एवरीबॉडी। आई होप सभी को समझ में आ गई ये चीज़ कहीं पर कोई दुख तकलीफ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं कोई डाउट नहीं पक्का श्योर वेरी नाइस इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं तो नेक्स्ट वन इज अब हम सीखेंगे हमारा जो मेन मेथड है दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड जैसा कि नाम ही कह रहा है कि एलिमिनेशन क्या होता है मैम एलिमिनेशन तो हमने बहुत सारे रियलिटी शोज में सुना है कि हर वीक एक एलिमिनेशन राउंड होता है जिसमें से कोई भी एक कंटेस्टेंट उस शो में से उस पर्टिकुलर गेम में से आउट हो जाता है यही आपने सुना होगा एलिमिनेशन का मतलब अक्सर जब भी आप कोई भी रियालिटी शो देखते हो देर मल्टीपल रियालिटी शोज तो उसमें यही होता है ना एलिमिनेशन राउंड है ये ये लास्ट एलिमिनेशन परफॉर्मेंस है मतलब एक सेट में से कुछ एक ना या एक या दो एलिमेंट होंगे दैट दैट विल बी आउट फ्रॉम पर्टिकुलर तो बस वही चीज करनी है अब आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स राइट तो एंड पर पार्टिसिपेंट कितने हैं टो पार्टिसिपेंट हैं क्योंकि दो वेरिएबल हैं इन इक्वेश में तो आपको किसी भी एक वेरिएबल को उस इक्वेशन में से एलिमिनेट करना है उस इक्वेशन में से बाहर निकाल के फेंक देना है यही कहलाता है आपका एलिमिनेशन मेथड दैट्स इट बस यही है आपका एलिमिनेशन मेथड जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड परफॉर्म करना है व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स जो कि आप फॉलो करेंगे ये चीज ध्यान से समझ लीजिए सो स्टेप नंबर वन फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाय सम सूटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल आइदर और एक्स और वाई न्यूमेरिकली इक्वल क्या कह दिया इसने इतना बड़ा बड़ा सबसे पहले क्या करना होता है यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाय द बाय सम सूटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट आई रिपीट एवरीवन क्या करना होता है सबसे पहले आपको दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना होता है किसी भी एक नॉन जीरो कांस्टेंट से जिससे कि आपकी किसी भी एक वेरिएबल का या तो एक्स या तो वाई उन दोनों के जो कफिशंट्स हैं वो इक्वल हो जाए एक एग्जांपल देती हूँ मैं एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री गिवन है ठीक है नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास गिवन है आपके टू एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू फोर ठीक है अब आपके पास ये दो इक्वेशंस गिवन है अब आपको इन दोनों इक्वेशंस में कोई भी एक वेरिएबल उठा लो आ एक्स और वाई और उन दोनों वेरिएबल्स में जो भी आपने वेरिएबल उठाया उन दोनों इक्वेशंस के कफिशियंट बिल्कुल सेम होने चाहिए तो यहां पर एक्स है और यहाँ पर टू एक्स है तो अगर मैं इक्वेशन वन में टू का मल्टीप्लाई कर दू

आपको एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके नहीं आ रहा तो आपको दोनों हो सकता है कुछ सिचुएशन में क्या होगा आपको दोनों इक्वेशन uh, में कोई ना कोई नॉन जीरो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक द बोथ ऑफ द इक्वेशन इक्वल क्या करने के लिए ताकि आपकी दोनों की दोनों इक्वेशंस जो हैं वो आपस में इक्वेट हो जाए वो आपस में इक्वल हो जाए समझ में आ रही है बात कहीं पर कोई डाउट आ रहा है कहीं पर कोई कंफ्यूजन आ रहा है आप मुझे बताओ आई एम देयर टू क्लियर अप ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर एवरीबडी सॉर्टेड है क्लियर हो गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आगे बढ़ जाए पक्का श्योर वेरी नाइस nice. तो चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं स्टेप नंबर टू क्या कहता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है ध्यान से समझेंगे व्हाट इज योर स्टेप टू एवरीबॉडी देन ऐड और वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर सो दैट वन वेरिएबल गेट्स एलिमिनेटेड अब क्या कह रहा है ये अब आपको कुछ भी एड और सब्ट्रैक्ट करना है इधर एड दी देशन या फिर सब्रैक्ट करो जिससे कि आपका जो वेरिएबल आपने इक्वल बनाया है जो कॉन्स्टेंट कफिशेंट आपने इक्वल बनाया है वो एलिमिनेट हो जाए तो आप को ऐड करने की जरूरत हो तो आप ऐड कीजिए एज पर सिचुएशन एज पर द गिवन इक्वेशन सब करना है तो आप सब कीजिए नाउ इफ यू गेट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल गो अब आपके पास क्या होगा अब आपके पास आ गई इक्वेशन एक एक वेरिएबल में अब आपको स्टेप थ्री पर आ जाना है इफ़ इन स्टेप टू वी ऑप्टेन अ ट्रू स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल्स देन द ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अब क्या कह रहा है ये अगर आपके पास एक ट्रू स्टेटमेंट आ जाता है विदाउट एनी वेरिएबल तो इसका मतलब है कि उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे और अगर आपके पास एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है एंड द स्टेटमेंट इज फॉल्स then it will be considered as a inconsistent pair of linear equation solution present substitution method question false statement statement right that statement was not correct तो हमने क्या कंक्लूड किया पॉसिबल ही नहीं है नो पॉसिबल no solution इज देयर फॉर इट आया समझ में कोई प्रॉब्लम वाली बात कोई दुख तकलीफ कोई डाउट है प्लीज गो अहेड एंड आस्क आई एम देयर टू क्लियर इट अप एवरीवन। सभी बच्चे लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से बता दो तो, जल्दी से पूछ लो कोई कंफ्यूजन वाली बात कोई डाउट वाली बात है आई होप सभी को समझ में आ गई है कोई दिक्कत नहीं है चलो बहुत ही बढ़िया इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं एंड हेयर यू गो Steps for elimination method. Step 3, हमने पढ़ा so अब अब आपको आपको क्या करना है? अब आपको equation को solve करना है है इस को जो कि सिंगल वेरिएबल में आ गई है या तो एक्स वेरिएबल में या तो वाई वेरिएबल में आपको उस पूरी की पूरी की इक्वेशन को सॉल्व करना है आपके पास या तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी या तो वाई की वैल्यू आ जाएगी जिस भी वेरिएबल की वैल्यू आई है उसको ले जाके एक किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो और आपके पास जिस भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं आई है उसकी वैल्यू आ जाएगी सब्सिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ एक्स और वाई इन आइदर द ओरिजिनल इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल जो ओरिजिनल दो इक्वेशन आपके पास गिवन है उन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में आप उस वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दीजिए जाके जिससे कि आपको आपकी नेक्स्ट वेरिएबल जो अनु नॉन वेरिएबल बचा है आपका उसकी वैल्यू आपको इजीली मिल जाए समझ में आ गई बात कोई कंफ्यूजन है कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बता दीजिए आई एम देयर टू क्लियर अप ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स एवरीवन एवरीबॉडी कोई भी दिक्कत वाली बात है कोई भी डाउट है कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ कंफ्यूजन है मैम इज देयर प्लीज गो एंड आस्क एवरीवन कम ऑन आई होप सभी को समझ में आ गया है कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है पक्का चलिए बहुत ही बढ़िया इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं अभी देखो ये वही सेम equation दिख रही है मेरे को जो अभी हमने देखी थी थोड़े टाइम पहले वही इक्वेशन लग रही है बच्चा ये अब इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं चलिए अभी मैं एलिमिनेशन मेथड आपको बता रही हूँ फुल कॉन्सेंट्रेशन शुड बी हियर काफी इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ रहे हैं हम वाइडली यूज मेथड है ये काफी ध्यान से आप लोगों को इस मेथड को समझना होगा ठीक है पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं हम टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू एट इक्वेशन नंबर वन

अब आपको एलिमिनेट करना है मेथड तो हमें क्या कर सकती हूँ माइनस कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को तो हमारे पास क्या बचेगा देखिए यहाँ पर 4x से 4x कैंसिल हो गया आपका जस्ट अ सेकंड ओके 6y से 6y भी कैंसिल हो गया आपके पास 16 7 बचा दैट इज 9 कोई वेरिएबल ही नहीं आया यहाँ पर तो हमारा तो क्या होगा सोल्यूशन आप लोगों को इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है क्योंकि हमारे दोनों वेरिएबल्स यहाँ पर कैंसल अप हो गए तो अब क्या करा जाए वॉट विल बी द आंसर एवरी वन इसी का आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे आई हेव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस अर्यर अभी कुछ एक, दो तीन मिनट पहले हमने डिस्कस किया है तो आप लोगों को बताना है एग्जाम तो में बहुत बार पूछी गई है सभी लोग फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखेंगे और नहीं समझ में आएगा तो मुझे आप चैट बॉक्स में बताएंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एवरी द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर डिजिट इज सटी अब आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि दो टू डिजिट नंबर है आपके पास ठीक है और उस टू डिजिट नंबर को जब आप रिवर्स कर देते हो और उन दोनों नंबर्स का सम करते हो तो दैट इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स वो आपका सिक्सटी सिक्स के इक्वल है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय टू अब ये डिफर मतलब क्या हो गया भाई माइनस

बी एक्स हमने लेट कर लिया दिजिट बी वाई हमने ये दो चीज लेट कर ली कि हमारी टेंट जो है वो एक्स है और जो हमारी वंस डिजिट है वो वाई है सो वॉट विल बी ओर टू डिजिट नंबर आपका टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा सभी बच्चा पार्टी चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे व्हाट विल बी योर टू डिजिट नंबर एवरीवन ये टू डिजिट नंबर विल बी अच्छा ट्वेंटी थ्री को मैं कैसे लिख सकती हूँ टू इंटू टेन प्लस थ्री थर्टी टू को कैसे लिखा जा सकता है थ्री इंटू टेन प्लस इट इज अ टू डिजिट नंबर थ्री

वही चीज हमने यहाँ पर करी है बच्चा पार्टी कि हमारे पास x और y दो डिजिट्स हैं जिसको आपको एक टू डिजिट का नंबर फ्रेम करना है तो टू डिजिट के नंबर फ्रेम करने के लिए मैंने क्या किया आई जस्ट मल्टीप्लाई 10 विद द टेंस डिजिट प्लस द वन्स डिजिट दैट वाज y चलो बताओ इतना क्लियर है समझ में आई मैम ने कैसे क्या, क्या किया कुछ दिक्कत है कुछ कंफ्यूजन है पूछ लीजिए एवरीबॉडी तो हमारे पास टू डिजिट नंबर आ गया टेन एक्स प्लस वाई अब देखो क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आया कि क्वेश्चन कह रहा है रिवर्स कर रहे हैं डिजिट को डिजिट आर गेटिंग रिवर्स ऑन रिवर्सिंग द डिजिट ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स जब आप डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हैं बच्चा पार्टी तब क्या हो रहा है फुल कंसंट्रेशन कहीं पर डाउट कहीं पर दिक्कत जस्ट स्टॉप मी एंड आई लव टू क्लियर अप योर डाउट तो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स जब आप डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हैं तो आप यहां पर देखेंगे जो आपकी टेंस डिजिट है वो वंस बन जाएगी और जो वंस डिजिट है वो आपकी टेंस हो जाएगी नाउ डिजिट टेंस डिजिट विल बी योर वाई और जो आपकी वंस डिजिट हो जाएगी योर वंस डिजिट विस कोई शक इसमें कोई प्रॉब्लम इसमें कोई डाउट इसमें तो वाईल रिवर्सिंग ऑन रिवर्सिंग टू डिजिट नंबर विल बी टू डिजिट नंबर

This one, और जो आपने अभी रिवर्स करके नंबर फाइंड आउट किया जब आप इन दोनों का सम करते हो तो ऑफ टू डिज इट नंबर एंड दैट ऑफ द रिवर्सिंग नंबर एंड द नंबर यू आर गेटिंग आफ्टर रिवर्सिंग यू विल बी दैट इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स राइट और नॉट एवरी वन कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा इलेवन एक्स प्लस इलेवन वाई इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स इक्वेशन बनी आपकी इलेवन कॉमन लीजिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स और इक्वेशन आई आपके पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज योर फर्स्ट इक्वेशन ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई सॉर्टेड है क्लियर है अब वापस से क्वेश्चन की तरफ चलो हमारे पास एक इक्वेशन तो आ गई अब हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा हेयर इज द नेक्स्ट नंबर इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय टू अगर ये दोनों की दोनों डिजिट्स एक्स और वाई डिफर करती है टू से सो दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर टू एवरी वन ये आपकी इक्वेशन नंबर टू आ गई क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं डिफर मतलब क्या होता है माइनस डिफरेंस मतलब क्या होता है माइनस तो so जब दोनों की दोनों डिजिट डिफर कर रही है टू से तो फाइंड द नंबर तो आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू लेटमी राइट हियर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू विल बी कंसिडर्ड एज योर सेकेंड इक्वेशन ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई ऑन सॉल्विंग क्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करेंगे यू विली गेटिंग अप योर एंसर कैसे सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे इक्वेशन वन थी आपकी एक्स प्लस वाईज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स दोनों, दोनों के बिल्कुल है। और साइन भी, भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो अगर मैं यहाँ पर माइनस करती हूँ मेरे को करने की जरूरत नहीं है नॉर्मल एड कर देते हैं जिससे वाई की वाई मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है वाई से वाई हमारा कैंसिल हो गया तो अभी एक्स प्लस एक्स कितना हो गया टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स कोई शक कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन भाई पूछो प्रियल मैम होगा, होगा, अच्छा, right? चलो जल्दी से बताओ इट विल्स का वैल्यू आ गया आपका फोर एवरी वन तो मतलब आपने एक्स का वैल्यू कैलकुलेट क्या कर लिया है अब आपको वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है पुटिंग इन इक्वेशन एनी ऑफ द इक्वेशन एज पर योर चॉइस पुटिंग इन इक्वेशन वन इक्वेशन वन में पुट कर दो टू में पुट कर दो जैसी आपकी इच्छा जैसा आपका मन तो जब आप इक्वेशन टू में इसको पुट करेंगे इक्वेशन वन में आप पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा फोर प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स और वाई का वैल्यू आ गया आपके पास टू तो आपने अपने एक्स की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली आपने अपने वाई की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली अब इससे हम क्या कर सकते हैं इससे हम क्या लिख सकते हैं लेटमी चेंज द कलर चलो ठीक है अब हम लिख देते हैं कि हमारा जो टू डिजिट नंबर है हैंस टू डिजिट नंबर टू डिजिट नंबर इज़ व्हाट दैट वाज़ टेन एक्स प्लस वाई एवरीवन टेन एक्स दैट इज़ टेन इनटू फोर प्लस टू दैट विल गोना गिव यू फोरटी टू और आपका नंबर हो सकता है ट्वेंटी फोर एंड ऑन रिवर्सिंग

कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ नहीं समझ में आ रहा है कोई डाउट है कोई दुख तकलीफ है तो आप पूछ सकते हैं आई एम देयर टू क्लियर इतना क्लियर है कोई कंफ्यूजन नहीं है हमने इसको किससे सॉल्व किया है हमने इसको सॉल्व किया है हमारे एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको किससे सॉल्व किया है इसको हमने सॉल्व किया है अपने एलिमिनेशन मेथड से एवरी वन क्लियर है, है कोई दुख तकलीफ नहीं है कोई question, ध्यान से देखेंगे. अब आपको इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से भी सॉल्व करना है भाई और सब्सिट्यूशन से भी सॉल्व करना है बहुत मेहनत का काम ज्यादा है क्या चलो करके देखते हैं तो चलिए एक्सप्ल टू फाइव एंड टू एक्स माइनस दो इक्वेशन गिवेन है

चलो फिर तो आगे बढ़ जाते हैं जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आपके पास यू विल बी माइनस का थ्री वाई इज इक्वल टू फोर जस्ट सॉल्व दीज टू एंड यू अप योर आंसर थ्री वाई से माइनस थ्री वाई आपका कैंसिल हो गया

कोई दिक्कत वाली बात कोई शक कोई प्रॉब्लम कोई डाउट मुझे बताइए मैं भी आपका डाउट क्लियर कर दू दिस है सेम क्वेश्चन में एक बार सब्सिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करके बताती हूँ और फिर हम पता करेंगे वेदर द आंसर इज कमिंग सेम और नॉट ठीक है ये हमने एलिमिनेशन से सॉल्व किया नाउ लेट्स सॉल्व द सेम इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ सब्सटीट्यूशन सेम हम सब्सिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं ठीक है सब्सिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे इक्वेशंस क्या है एक्स प्लस वाई x plus y is equal to 5 and the other one is 2x minus 3y is equal to 4 2x minus 3y is equal to 4k Kya? x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4 right these are your two given equations you have to substitute the value so for ye, our equation 1 ho equation 2 ho equation 1 way say i'm finding the value of x that is 5 minus y putting in equation 2 पुटिंग इन इक्वेशन टू इक्वेशन टू में हम पुट करके देखते हैं हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है, है, है। कि आपका टेन माइनस का टू वाई माइनस का थ्री वाई इज इक्वल टू फोर एंड यूल माइनस का फाइव वाई इज इक्वल टू फोर और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यू विल बी गेटिंग व्हाट माइनस का फाइव वाई इक्वल टू फोर माइनस का टेन हो जाएगा दैट इज माइनस का सिक्स और वाई की वैल्यू आ गई आपके पास सिक्स अपॉन फाइव क्या जब आपने इसको एलिमिनेशन से सॉल्व किया था तो वाई की वैल्यू आपके पास सिक्स अपॉन ही आ रही थी ये जानना है मैम को क्या जब आपने इसको एलिमिनेशन से सॉल्व किया था तो वाई की वैल्यू सिक्स पॉइंट फाइव आ रही थी एब्सोल्युटली यस से की वैल्यू सिक्स पॉइंट फाइव आ रही थी और जब आपने इसको सब्सिट्यूशन से सॉल्व किया तब भी आपकी वैल्यू वाई की सिक्स पॉइंट फाइव आ रही है नाउ पुटिंग दिस सेम आती है या नहीं हमें पता है एक्स है आपका फाइव माइनस वाई जब आप वैल्यू पुट कर देंगे लेट मी मेक माइ सेल्फ थोड़ा छोटा okay, तो एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस सिक्स अपॉन फाइव ये हो गया आपके पास ट्वेंटी सिक्स अपॉन फाइव और x का वैल्यू आ गया आपके पास 19 अपॉइंट फाइव क्या आपकी x की वैल्यू 19 अपॉइंट फाइव आ रही थी जब आपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था एक बार चेक कर लेते हैं कि यस मैम बिल्कुल हमारी x की वैल्यू 19 अपॉइंट फाइव आ रही थी जब हमने उसको एलिमिनेशन से सॉल्व किया था तो दैट कंक्लूड्स कि एलिमिनेशन से आप सॉल्व करें या आप सब्सिट्यूशन से सॉल्व करें आपका आंसर बिल्कुल सेम ही आना है क्या समझे इट इज नॉट द थिंग कि आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहे हो या सब्सिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हो आपका आंसर सेम ही आना है अगर आपने सही से सॉल्व किया है तो चलो बताओ इतनी समझ आई चीज वेट यू एलिमिनेशन और सब्सिट्यूशन में डिफरेंस समझ में आ गया सभी को कोई दिक्कत वाली बात है कोई डाउट वाली बात है आप पूछ सकते हैं आई एम देर एवरीबॉडी फॉर यू ऑल सभी को समझ में आ गया आगे बढ़ जाए पक्का चलो बहुत ही बढ़िया फिर हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई अभी इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं से आप करिएगा, ठीक है? 2x minus ka 2y is equal to 2। कि मेरे y के कफिशियंट जो हो वो इक्वल हो जाएं. ठीक है तो अभी हमारे पास जो इक्वेशन आई है दो इक्वेश वन

एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास टू अब क्या करेंगे पुटिंग इन इक्वेशन और आपकी मर्जी है जिसमें भी आपको कंफर्टेबल और इजी लग रहा है कैलकुलेट करना आप उसमें पुट कर सकते हो तो अभी कितना हो गया थ्री इंटू सिक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टेन

किस तरीके से हमने सॉल्व किया इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन कोई दुख तकलीफ वाली बात कोई प्रॉब्लम कोई डाउट ऑल राइट तो फिर इसी के साथ स्टार्ट कर देते हैं वट आर टॉपिक्स वी गोइंग टू कवर टूडे एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन करने वाले एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर करने वाले हैं जिसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम कवर अप करने वाले हैं तो आपको क्या करना है पूरा का पूरा सेशन एंड तक देखना है नो वन इज अलाउड टू लीव द क्लास इन बिटवीन कोई भी बीच में क्लास छोड़कर नहीं जाएगा सभी को पूरी क्लास अटेंड करनी है सो so दैट आपकी 3.4 भी बिल्कुल एकदम ऐसे प्रो की तरह रेडी हो जाए एकदम अच्छी तरीके से आपको आपकी एक्सरसाइज 3.4 समझ में आ जाए राइट right? तो चलो लेट्स गेट स्टार्ट एवरीबडी तो हाउ यूल स्टार्ट किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं क्या कैसा क्वेश्चन है तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि आपको इस एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन से और सब्सिट्यूशन दोनों से सॉल्व करना है अरे अभी सब्सिट्यूशन मैम हमें याद नहीं है सबको याद है एक बार मैं दिमाग में वापस से डाल देती हूँ वापस से एक बार समझा देती हूँ जिससे कि अगर जो थोड़ी जंक लग गई है वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाए वो भी अच्छे से समझ में आ जाए सो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्सिट्यूशन मेथड सबसे पहले आई एम यूजिंग हियर दैट इज एलिमिनेशन मेथड सबसे पहले जो मैम यहाँ पर मेथड यूज करनी है वो एलिमिनेशन मेथड है लेट्स चेक कि दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आता है या अलग अलग आता है आप लोगों को क्या लगता है हमारा आंसर सेम आएगा या फिर एलिमिनेशन से अलग और uh, से अलग आएगा वॉट डू यू गाइस थिंक तो चलो एलिमिनेशन से अगर सॉल्व करना है तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड टू एक्स माइनस का थ्री वाई इज इक्वल टू फोर इज योर सेकेंड इक्वेशन आई एम मल्टीप्लाइंग थ्री फर्स्ट इक्वेशन टू मेक द कफीशियंट ऑफ वाई इक्वल मैं चाहती हूँ कि वाई के जो है कोफिशियंट है वो इक्वल हो जाए इसलिए उसमें थ्री का मल्टीप्लाई कर दिया तो अब जो आपकी इक्वेशन बन गई दे आर इन द फॉर्म ऑफ लाइक थ्री एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन एंड वेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाइड विद टू यू विल बी गेटिंग वॉट फोर एक्स माइनस का नो no, टू से नहीं मल्टीप्लाई करना दैट इज द इक्वेशन ओके का थ्री वाई इज इक्वल टू फोर ऑल राइट दीज आर योर टू इक्वेशन जस्ट यू से प्लस का थ्री वाई कैंसिल हो गया ये आपके पास बचा फाइव एक्स इज इक्वल टू नाइनटीन और आपके पास जो एक्स का वैल्यू आ गया एवरीबडी दैट इज नाइनटीन अपॉन फाइव एंड दिस इज हाउ यू विल बी गोइंग टू सॉल्व दिस ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू अब क्या करना है अब आपको वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है वाई के वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे यू हैव टू जस्ट पुट इन एक्स का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में तो यहाँ लिख देती हूँ मैं पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन में पुट कर दो टू में पुट कर दो जो आपका मन है जैसा आपका मन है लेट मी मेक माय सेल्फ लिटल स्मॉलर

तो ये हो गई आपकी y की वैल्यू आपने दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हेयर इज योर x का वैल्यू एंड हेयर इज योर y का वैल्यू दिस इज़ वॉट लाइक दिस इज हाउ एलिमिनेशन इज डन एलिमिनेशन मेथड इज़ परफॉर्म्ड इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड परफॉर्म करेंगे आई होप अच्छी तरीके से सबको समझ में आ गया है कोई दुख तकलीफ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं कोई डाउट नहीं पक्का श्योर कोई भी कंफ्यूजन है कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं बच्चा पार्टी आई एम देयर टू क्लियर इट अप एवरी वन जस्ट अ सेकंड जल्दी जल्दी से बता दो कमाउन सभी को समझ में आया या नहीं आया चलो आई होप इतना सभी को समझ में आ गया क्लियर नहीं कोई दिक्कत नहीं है अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं we'll सोल्व करते हैं लेटमी राइट जब आप इसको मैथड से सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा आपकी जो थी, इक्वेश राइट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव थ्री एक्स टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर

टू तो जब आप इसको इक्वेशन टू में पुट कर देंगे तो हाउ यू विल बी गेटिंग वट यू गेटिंग टू फाइव माइनस वाई माइनस का थ्री वाई इज इक्वल टू फोर बिकॉज यूर इक्वेशन टू इज दिस माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर तो एक्स की वैल्यू आपकी है फाइव माइनस वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर तो ये कितना हो जाएगा यू विल बी गेटिंग फाइव टू जैड टेन माइनस टू वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर

वन में पुट like कर इन इन लाइक एक्स पुट कर दीजिए एक्स में वैल्यू पुट कर दीजिए बी अप योर आंसर तो कितना हो जाएगा एक्स आपका गिवन था फाइव माइनस वाई एवरी एवरीबरी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया फाइव माइनस सिक्स अपॉइन फाइव जब आप इसको सॉल्व करेंगे ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स अपॉइन फाइव और एक्स का वैल्यू आ गया आपके पास नाइनटीन अपॉइन फाइव एंड दिस इज योर आंसर तो आप इससे देख सकते हैं कि वेदर यू बी गोइंग टू सोल्व इट फ्रॉम एलिमिनेशन और वेदर यू आर गोइंग टू सोल्व इट फ्रॉम दी सब्सटीट्यूशन आपका जो आंसर होगा दैट विल बी एब्सोल्यूटली सेम उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ये देखो यहाँ पर भी नाइनटीन अपॉइन फाइव और सिक्स अपॉइन्ट फाइव आ रहा है अगर मैं एलिमिनेशन की बात करूँ तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो वाई की वैल्यू सिक्स अपॉइंट फाइव और एक्स uh, की वैल्यू आपकी जो आई है दैट इज नाइनटीन अपॉन फाइव एवरी बड़ी ये देख सकते हो आप एक्स का वैल्यू और ये देख सकते हो आप वाई का वैल्यू चलो बताओ सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन सब्सिट्यूशन में कोई कन्फ्यूजन है में कोई डाउट है कहीं कोई दुख तकलीफ है कोई कन्फ्यूजन है नहीं समझ में आ रही है चीजें तो आप पूछ सकते हो बता सकते हो आई एम देयर टू क्लियर इट अप एवरी वन जल्दी जल्दी से बता दो क्लियर हो गया कोई कंफ्यूजन है इस चीज में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हाउ यू विल बी गोइंग टू कवर अप द नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कोई दिक्कत वाली बात हो तो पूछ लीजिएगा एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर एवरीवन जस्ट अ मिनट चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टेन टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू टू किस तरीके से सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से ही सॉल्व कर देते हैं थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू टेन मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे कफिशियंस इक्वल नहीं है तो आई हैव टू मेक द कफिशियंस इक्वल पहले तो तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास गिवन है सेकेंड इक्वेशन आपके पास है टू का टू वाई ये आपकी सेकेंड इक्वेशन गिवन है राइट वट यू हैव टू डू जस्ट मल्टीप्लाई टू द सेकेंड इक्वेशन आप जब टू का मल्टीप्लाई कर दोगे सेकेंड इक्वेशन से तो वाई का जो वेरिए कफिशियंट है दैट विल बिकम इक्वल राइट तो हम वापस से लिख देते हैं हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज थ्री एक्स प्लस का फोर वाई इज इक्वल टू टेन सेकेंड इक्वेशन विल बिकम योर फोर एक्स माइनस का फोर वाई इज इक्वल टू फोर एवरी वन राइट y y से y, 4Y से -4Y cancel हो गया एक्स का वैल्यू आ गया आपके पास टू एवरी वन बस क्या करो वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो यूल गेटिंग योर y का वैल्यू पुटिंग x इन इक्वेशन पुटिंग x इन इक्वेशन

एक्स so, की वैल्यू आई है टू और वाई की वैल्यू आई है वन चलो बताओ जल्दी से समझ में आया इज इट क्लियर टू एवरी वन आउट देर कोई दुख तकलीफ कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं आई एम देअर टू क्लियर इट अप एवरी वन

फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं एंड हेयर यू गो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री एक्स माइनस फाइव वाईज इक्वल टू फोर Uh, 3x minus 5y minus 4 is equal to 0 which you guys can uh, like read it as i read it before uh, minus 4 will go to the rhs and it will become plus ka 4 so let's do it up let's make this equation equal let's do let's make the coefficients equal to so, kita a 3x minus ka 5y is equal to ka 4 this will be considered as your first equation everyone same goes with the other टू इक्वल टू सेवन दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू इक्वल सो दैट आई कैन गेट द कफिशियंट ऑफ एक्स इक्वल समझ रहे हो ना क्या करना है बस मेरे को एक्स में थ्री का मल्टीप्लाई कर गेटिंग योर एंसर्स तो लेट्स से समझेंगे तो आपकी इक्वेश क्या फॉर्म हो गई नाइन एक्स माइनस का 5 threes are 15, y is is equal equal to to You will be getting minus ka is equal to 7, Everyone just solve this up. तो अभी हम सारे sign change कर देते हैं तभी हमारा cancel होगा तो नाइन एक्स से नाइन एक्स तो हमारा कैंसिल हो गया माइनस फिफ्टीन वाई प्लस का टू वाई विल गिव यू माइनस का थर्टीन वाई राइट और नॉट कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है बता दीजिए ट्वेल्व माइनस सेवन आप करेंगे तो getting वॉट फाइव तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी फाइव अपॉन थर्टीन दैट इज माइनस फाइव अपॉन थर्टीन दिस इज योर y की वैल्यू एवरी वन दैट इज माइनस का फाइव अपॉन थर्टीन चलो बताओ समझ में आया कहानी क्लियर हुआ क्या किया बस मैंने इक्वेशन नंबर वन में थ्री का मल्टीप्लाई कर दिया सो so दैट मेरे पास एक्स के कफिशियंस इक्वल हो जाए तो जैसे ही एक्स के कफीशियंस इक्वल हो गए हमने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस फिफ्टीन वाई से जब माइनस टू प्लस टू वाई हो जाएगा तो विल बी गेटिंग माइनस का थर्टीन वाई एवरी वन क्वल टू ट्वेल्व माइनस सेवन बी गेटिंग फाइव और वाई की वैल्यू हो गई माइनस का फाइव अपॉन थर्टीन सॉर्टेड है अब क्या करना है कुछ भी नहीं किसी भी इक्वेशन में पुटिंग वाई इन इक्वेशन वन इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं तो व्हाट यू विल बी गेटिंग आपको क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा थ्री एक्स Minus ka 5, y is what? That is minus ka 5 upon 13 is equal to 4. Just solve this up, you will be getting x ka value. Kita ho 3x minus minus, you will be getting plus ka 25 upon 13 is equal to 4. It will go there, 3x is equal to 4 minus 25 upon 13. थ्री एक्स इज इक्वल टू जस्ट टेक द एल सी एम एन बी गेटिंग अपीयर एंसर थर्टीन इंटू फोर जैसे अपॉन थर्टीन आप चाहो तो इस थ्री को भी आप यहाँ मल्टीप्लाई में डाल सकते हो तो ये यहाँ पर आ जाएगा इंटू थ्री हो जाएगा फिफ्टी टू माइनस का ट्वेंटी फिफ्टी माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन थर्टीन इंटू थ्री नाइन से कैंसिल हो गया और आपका वैल्यू क्या है वॉट इज द वैल्यू फॉर एक्स इज इक्वल टू एवरीबडी नाइन अपॉन थर्टीन मतलब वाई की वैल्यू आई है माइनस का फाइव अपॉन थर्टीन और एक्स की वैल्यू आई है नाइन अपॉन थर्टीन आई रिपीट एक्स की वैल्यू आई है नाइन अपॉन थर्टीन और वाई की वैल्यू आई है माइनस का फाइव अपॉन थर्टीन एवरी बारी समझ में आई बात कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं आई एम देयर टू क्लियर इट अप एवरी वन पक्का शॉर्ट जल्दी से बताओ जल्दी जल्दी से बताओ समझ में आ रही है चीजें नहीं आ रही हैं कोई डाउट आ रही है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अभी आप सभी का डाउट फट 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 से क्लियर कर देते हैं ईच एंड एवरी वन आई होप सबको क्लियर है कोई कंफ्यूजन नहीं है कोई डाउट नहीं है आगे बढ़ जाए चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लेट्स सी हाउ वी विल बी गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वाज हैविंग दिस स्पेस बट देन टू आई वाज राइटिंग देयर ऑन द पेज चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम रखूंगी वाई का वैल्यू आ गया था माइनस का फाइव अपॉन थर्टीन एंड एक्स का वैल्यू आ गया था वॉट

चलो इसी के साथ भर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी ये देखो ये किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे मैम अब तो ये फ्रैक्शंस आ गई तो बहुत डिफिकल्ट होगा कोई डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि आप सॉल्व करते आ रहे थे सेम चीज है क्या है ये दूसरी इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई अपॉन थ्री इज इक्वल टू थ्री एवरी वन ठीक है अब यू हैव टू मेक दफिशंट इक्वल तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर मैं इक्वेशन नंबर टू में

फाइव एक्स इज इक्वल टू टेन और एक्स का वैल्यू आ गया आपके पास टू अभी आपने एक्स का वैल्यू कैलकुलेट किया है ठीक है अब क्या करोगे एक्स का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया अब इस एक्स की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में ले जाके पुट कर दो यूल बी गेटिंग अप योर आंसर तो पुटिंग एक्स का वैल्यू पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन Equation one, equation two, as per you guys like, जैसे आपको ठीक लगता है उसको इक्वेशन वन या टू में पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा सॉर्टेड है, है? है? है अभी हमें एक्स की वैल्यू क्या ही है दैट इज इक्वल टू टू लेट्स पुट द वैल्यू हियर

तो इसको हम लिख सकते हैं टू वाई अपॉन थ्री इज इक्वल टू माइनस का टू हो जाएगा ये प्लस का वन जब इधर शिफ्ट हो जाएगा माइनस का वन हो जाएगा विल गोना गिव यू माइनस का टू तो टू वाई इज इक्वल टू माइनस टू इन टू थ्री टू इक्वल टू माइनस का सिक्स और वाई का वैल्यू हो गया माइनस सिक्स अपॉन टू विल गोन गिव यू वॉर दैट इज गोन गिव यू माइनस का थ्री एवरी वन वो क्या देगा आपको वो देगा आपको माइनस का थ्री एंड दिस इज़ योर आंसर ये आप सभी लोगों का आंसर हो गया चलो बताओ क्लियर हुआ कोई कंफ्यूजन है कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है तो मैं अभी आप सभी लोगों का डाउट फट फट से क्लियर कर देती हूँ फास्ट एवरी वन Come on everybody, जल्दी जल्दी से बता दो फट से come on, each and everyone, समझ में आ रही हैं चीजें या नहीं कोई भी दिक्कत है कोई भी तो कन्फ्यूजन जल्दी जल्दी नहीं है आपकी एक्स की वैल्यू जो आई है एक्स की वैल्यू क्या है वाई की वैल्यू क्या है सभी को सॉर्टेड है क्लियर है कोई कंफ्यूजन नहीं है जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए फास्ट कम ऑन चलिए तो फिर हम भरते हैं आगे की तरफ लेट्स मूव टू वर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप ये क्लियर है सभी को सभी को अच्छे समझ में आ गया y का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया माइनस थ्री एक्स का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया टू अब भरते हैं हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे और चीज आपको बेटर वे में और longer टाइम तक याद रहने वाली है तो ध्यान से समझेंगे

एक्स अपॉन वाई हमने यही चीज लेट कर ली कि लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई एवरी वन नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी सिचुएशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग भरते हैं इफ वी एड वन टू द न्यूमरेटर अगर मैं न्यूमरेटर में वन एड कर देती हूँ और डिनोमिनेटर में से वन सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ इट विल गोना रिड्यूस टू वन वो वन के इक्वल हो जाएगा तो बस इसको एक इससे पहले अपनी इक्वेशन फ्रेम कर देते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई माइनस वन सो यू विल बी गेटिंग एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का टू दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन एवरी वन समझ में आ गई चीज़ क्लियर है कोई कन्फ्यूजन वाली बात कोई डाउट वाली बात इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इट बिकम्स वन अपॉइंट टू इफ वी ओनली एड वन टू द डिनिनेटर अब क्या कह रहा है कि अगर मैं डिनोमिनेटर में सिर्फ वन को एड कर देता हूँ तो फ्रैक्शन मेरा वन अपॉइंट टू बन जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगैन न्यूमरेटर विल बी एज इट इज डिनोमिनेटर में वन को ऐड किया जा रहा है तो आपका जो फ्रैक्शन है दैट इज बिकमिंग इक्वल टू हाफ वन अपॉन टू लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया ये वाई प्लस वन और आपकी जो इक्वेशन फ्रेम हुई दैट इज टू एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू वन एम पी दिस इज वॉट दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यू विल बी गेटिंग अप योर आंसर ऑन सॉल्विंग

कर यू विल बी गेटिंग आंसर माइनस माइनस प्लस से थ्री तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास थ्री एवरी बड़ी एक्स इज इक्वल टू थ्री आ गया सॉर्टेड अब हमें वाई की वैल्यू निकालनी है मतलब हमारे पास न्यूमरेटर आ चुका है हमारे पास न्यूमरेटर आ चुका है बारी है डिनोमिनेटर की तो डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से पुटिंग एक्स इन एन इक्वेशन पुटिंग इन इक्वेशन टू में पुट कर दो वन में पुट कर दो जिसमें इच्छा है आपकी उसमें पुट कर दो तो जब मैं टू इक्वेशन टू में पुट करूंगी दैट इज टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन इट विल गोना गिव यू टू गिव अस टू इन टू थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू वन दैट इज सिक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन और वाई का वैल्यू आ गया आपके पास फाइव एवरी वन एनी कन्फ्यूशन एनी सॉर्ट ऑफ डाउट पूछ लो आई एम देयर टू क्लियर इट अप कम ऑन क्लियर हो गया कोई कंफ्यूजन वाली बात लेट मी मेक माय सेल्फ लिटिल स्मॉलर सो दैट आपको और अच्छे से दिख जाए क्लियर हो जाए सो व्हाट विल गोना राइट अप हियर हेंस एम आई हैविंग अनदर पेज नो आई एम नॉट हैविंग आई हैव टू राइट हियर ओनली हेंस अ फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन क्या है हमारा दैट इज एक्स अपॉन वाई एवरीवन एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर एक्स दैट इज 3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई दैट इज 5

आई होप क्लियर हो गया है कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है चलो बहुत ही बढ़िया इसी के साथ बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिससे जैसे थोड़ा बहुत डाउट भी होगा दिमाग में तो वो भी क्लियर हो जाएगा राइट चलिए सो वट इज द नेक्स्ट ने वन ध्यान से देखेंगे फाइव अगो न्यूरी वॉज थ्राइस एज ओलस्ट सोनू पांच साल पहले जो न्यूरी था वो सोनू से थ्राइस था मतलब थ्री टाइम्स था थ्राइस का मतलब होता है थ्री टाइम्स ठीक है टेन ईयर्स लेटर न्यूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ओल्ड सोनू अब क्या कह रहा है दस साल बाद जो न्यूरी होगा वो सोनू से ट्वाइस होगा ट्वाइस मतलब हाउ ओल्ड न्यूरी न्यूरी एंड सोनू सोनू इज तो लेट लेट द द एज एज ऑफ ऑफ बी बी वही सेम चीज जो हम करते हुए आते हैं वही सेम चीज करनी है आपको यहाँ पर तो क्या करना है लेट द एज लेट द एज ऑफ न्यूरी बी

एजेस एजेस कितनी कितनी हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी जस्ट मिनट जाएगी पांच साल बाद की बात हो रही है तो न्यूरी की जो एज हो गई वो हो गई आपकी एक्स माइनस फाइव ईयर्स और सोनू की जो एज है भाई वो हो गई वाई माइनस फाइव ईयर्स कोई दिक्कत इस बात में कोई डाउट इस बात में तो बताओ

थ्री वाई माइनस का फिफ्टीन और आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एवरीबरी एक्स माइनस का थ्री वाई माइनस का टेन इज योर इक्वेशन नंबर वन ये आपने इक्वेशन नंबर वन अपनी फ्रेम कर ली सॉर्टेड है क्लियर है कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं लेट्स मूव फर्दर और देखते हैं कि हम नेक्स्ट इक्वेशन अपनी किस तरीके से फ्रेम अप कर सकते हैं तो नेक्स्ट इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे यू हैव टू जस्ट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली कि टेन इयर्स लेटर अब टेन इयर्स लेटर का बबल बना देते हैं टेन इयर्स लेटर अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि आपकी एज है फॉर एग्जांपल फोर्टीन इयर्स तो दस साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी फोर्टीन प्लस टेन तो न्यूरी की एज कितनी हो जाएगी दस साल बाद भाई एक्स प्लस टेन सिमिलरली सोनू की एज कितनी हो जाएगी दैट विल बी वाई प्लस टेन Clear है, sorted है, चलो फिर तो हम आगे भर जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि वो उसकी एज तो कितनी है आपकी एवरी वन दैट इज एक्स प्लस टेन विच विल इक्वल टू ट्वाइस इज द एज ऑफ सोनू दैट इज वाई प्लस टेन जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे x plus 10 is equal

ये आपकी इक्वेशन नंबर वन थी सॉरी दिस वाज योर इक्वेशन नंबर वन ऑन सॉल्विंग द इक्वेशंस ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस अब आप लोग जब इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है न्यूरीज एज विल बी न्यूरीज एज विल बी फिफ्टी इयर्स एवरी वन एंड सोनूज एज विल बी ट्वेंटी ईयर्स जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा न्यूरी की एज जो होगी दैट विल बी फिफ्टी इयर्स और सोनू की जो एज होगी दैट विल बी ट्वेंटी इयर्स एवरीवन सॉर्टेड है कोई दिक्कत वाली बात है कोई डाउट वाली बात है तो आप मुझे बता दो आई एम देयर टू क्लियर अप ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स एवरी समझ गए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें पक्का श्योर एवरीवन चलो बहुत ही बढ़िया फिर तो इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं अपने सब्सिट्यूशन मेथड पढ़ लिया है आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिया है आपने इक्वेशन को किस तरीके से रिड्यूस किया जाता है वो भी पढ़ लिया है उसमें एक बड़ा सा क्वेश्चन है एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सिक्स एग्स लास्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास स्टूडेंट्स के डीएम्स आ रहे थे कि मैम वो क्वेश्चन एक बार बता दीजिएगा तो हम वो वाला क्वेश्चन कवर अप करने वाले हैं देन आफ्टर हम बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स जो एग्जाम्स में डेफिनेटली देखने को मिल, मिलती हैं कुछ उन वर्ड प्रॉब्लम्स को मोल्ड कर दिया जाता है कुछ लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है बट वो अक्सर अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है और अच्छे खासे चार से तीन से चार नंबर में पूछी जाती है तो मतलब इम्पॉर्टेंट तो है इसलिए मैम ने आज के सेशन का नाम भी रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जाओ अपने अभी तक नहीं आए हो क्लास में तो जल्दी से आ जाओ प्रियल इंतजार करें आप सभी लोगों का कम एंड ज्वाइन द्लास ऑल राइट चलो तो फिर हम स्टार्ट कर दें आज का मजेदार सेशन एवरीवन जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिए इफ यू गाइस आर ऑल सुपर डूपर रेडीट आप क्या हम आगे बढ़ सकते हैं चलो बहुत ही बढ़िया तो इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं लेट्स मूव फॉर दो एंड हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टूडे सेशन वेयर यू गाइज हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आपको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है बट मैम ये देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि हम किस तरीके से एक्स का वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरीके से हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं राइट देखने में ये इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है तो अभी देखना हम किस तरीके से कितना ईजिल इस मेथड को यूज़ करके इस बड़े से क्वेश्चन को भी बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ध्यान से सबकी मेक श्योर दैट यू गाइज आर जस्ट हैविंग अ पेन एंड अ नोट बुक विद यू तो सो दैट कि मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ मेरे साथ आप लोग भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आपको वो लॉन्गर टाइम तक बेटर टाइम तक याद रहे ऑल राइट सो वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन थ्री एक्स y वाई इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर वन अपॉन टू थ्री एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन टू थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू का वन अपॉन एट हाउ यू विल बी गोइंग टू सॉल्व दिस अप एवरीबडी

चलो इधर लिख देते हैं नीचे तो अभी आपको यहाँ पर आपको क्लियरली ये चीज दिख रही है कि यहाँ कॉमन तो आप क्या करोगे इसको एक बड़ा सा कोई भी एक वेरिएबल के नेम से डिनोट कर दोगे सो दैट वो चीज और इजी बन जाए तो आपको इसको किस तरीके से करना है 1 3x y को हमने लेट कर लिया पी एंड वन अपॉन

why this line is coming p plus q is equal to 3 upon 4 this will be considered as your first equation next equation kya ho this is your p everybody so it will be p upon 2 minus q upon 2 it's 2 only right is equal to is equal to minus ka. i don't know why this line is coming

उट चल क्यू अपॉन टू से आपका q अपॉन टू कैंसिल हो गया कोई दिक्कत है इसमें तो पूछ लीजिए कोई डाउट है तो आप इसमें पूछ लीजिए ये कितना हो गया p अपन टू प्लस पी अपॉन टू दैट विल बी टू पी अपॉन टू

जल्दी से बताओ कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है किसी को तो मैं अभी आप सभी लोगों का डाउट फट से क्लियर कर देती हूँ एवरी बारी एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन इन इट एनी सॉर्ट ऑफ डाउट इन इट बता दीजिए जल्दी से पी की वैल्यू आ गई अब आपको क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे कुछ नहीं बस किसी भी एक इक्वेशन में ले जाकर पुट कर दो आई एम पुटिंग इट इन इक्वेशन वन क्योंकि वो थोड़ी छोटी इक्वेशन है तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा इट विल कू वन अपॉन फोर वन अपॉन फोर प्लस क्यू क्या है हमारे को नहीं पता क्यू तो हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर एवरीवन राइट बस इसको सॉल्व कर दीजिए क्यू का वैल्यू कितना आ गया आपके पास थ्री अपॉन फोर माइनस का वन अपॉन फोर यूल गेटिंग टू अपॉन फोर टू अपॉन फोर मतलब वन अपॉन टू वाई दिस लाइन्स आर कमिंग वेरी इरिटेटिंग आपके Q का वैल्यू आ गया one upon two P की वैल्यू है आपके पास one upon four Q की वैल्यू है आपके पास one upon two एवरीबॉडी अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ है क्यों क्योंकि क्वेश्चन में हमने अज्यूम किया है कि P की वैल्यू इक्वल है one upon three x plus y के one upon three x plus y के इक्वल है आपकी P की वैल्यू one upon three x plus y के इक्वल है आपकी P की वैल्यू वैल्य समझ में आई बात तो अभी हमारे पास पी का वैल्यू कितना था अभी पी की वैल्यू हमारे पास वन अपॉन फोर लेट्स कितना हो गया वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर एवरी वन ऑल राइट अब क्या हो जाएगा ये आप यहाँ पर देख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा इट विल गोना गिव यू गोनाईल टू फोर दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तब जाकर आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी अभी आपके पास इक्वेशन थ्री आई है अब वही इक्वेशन फोर बनाने की कोशिश करते हैं क्यू क्या था हमारा वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू था आपका क्यू एवरीबडी

पुटिंग इन इक्वेशन थ्री इक्वेशन थ्री में आप पुट कर दीजिए एक्स की वैल्यू तो जब आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा थ्री इंटू वन प्लस वाई इज इक्वल टू फोर और वाई की वैल्यू भी आपकी वन आ जाएगी दैट मींस यहाँ पर आपका एक्स इज इक्वल टू भी वन है और आपका वाई भी वन है दीज आर द टू गिवन वैल्यूज विच यू हैव फाउंड समझ में आई बात कहीं पर कोई दिक्कत है कहीं पर कोई डाउट है जल्दी 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 से पूछ लो बता दो मैम गई लव टू क्लियर अप योर डाउट एवरी बरी कम ऑन जल्दी से बताओ समझाओ अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है कहीं पर कोई भी डाउट है तो अभी मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ एवरी बरी पूछ लीजिए। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की सभी लोग मैं बॉक्स में देख ही रही हूँ कहीं पर भी कोई डाउट है तो पूछो फट से एवरी वन जस्ट अट कम ऑन एवरी वन जल्दी जल्दी से आई होप सबको क्लियर है किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है चलो तो फिर इसी के साथ हम भर जाते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम की तरफ अगर कोई भी डाउट रहेगा तो वर्ड प्रॉब्लम में जरूर पूछेगा इट्स इंपॉर्टेंट एवरी वन और मुझे बहुत खुशी मिलेगी जब आप अपने डाउट्स को पूछते हो ऐसा लगता है दैट यस यू गाइज आर इंगेजिंग यू गाइज आर रिस्पॉन्डिंग और रिस्पॉन्स तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है राइट जस्ट अ मिनट आई कैंट सी माई सेल्फ आई एम आर लाइव एवरी वन हाई जस्ट यू वेलकम टू द्लास क्या हाल चाल कैसे हो बच्चे बात हाउ आर यू हाउ आर यू लंच हुआ या नहीं हुआ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर स्क्रीन एवरी वन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे और मेरे साथ सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को करेंट आपको क्या करना है ऋतु जो है दैट कैन रोड डाउन स्ट्रीम ट्वेंटी किलोमीटर इन टू आवर्स डाउन स्ट्रीम आपको पता ना ढलान आप जैसे साइकिल चलाते हो तो एक स्लोप आ जाता है तो आप एक बात बताओ मेरे क्या आप साइकिल चला रहे हो

उतराव आ गया तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है आपको पैडलिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है सेम विद अपस्ट्रीम एंड अगर जा रहा है तो स्पीड आपकी ज्यादा हो जाएगी अप्रीम जा रहा है तो स्पीड आपकी कम हो और अप स्ट्रीम फोर किलोमीटर करता है टू आवर्स में फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करेंट हम क्या कर लेंगे स्टिल वाटर की स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर कर लेते हैं और स्ट्रीम की स्पीड हम वाई किलोमीटर पर आवर कर लेते हैं राइट और नॉट समझ में आई इतनी बात चलो पेर्स माय पेन ऑल राइट लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस अप ध्यान से समझेंगे तो क्या हो जाएगा सबसे पहले लेट अस कंसीडर द स्पीड ऑफ ऋतु इन दी स्टिल वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आर स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इन स्टिल वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आवर ठीक है स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो जाएगी हमें तो वही तो हमें find out करना है है जो चीज करनी उसको हमने let कर लिया speed of stream हो जाएगी आपकी y किलोमीटर पर आवर है चलो आगे बढ़ इन टू आवर्स एंड अपस्ट्रीम फोर किलोमीटर इन टू आवर्स अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं अब क्या कर रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की अगर मैं I don't know why it is, okay. अगर हमें according to the question की बात करूं तो आप देख सकते हो उन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी स्पीड इन डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एवरी वन और नो और सिमिलरली अगर मैं आप स्ट्रीम की बात करूं तो आपकी जो स्पीड हो जाएगी दैट बी किलोमीटर पर एनी एनी ऑफ़ ऑफ़ कंफ्यूजन इन इन इट डाउट इट वन जल्दी जल्दी से पूछो अगर कोई भी कंफ्यूजन है अभी आपको एक चीज पता है राइट जस्ट मिनट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है right?

डाउन स्ट्रीम।, स्ट्रीम का निकाल लेते हैं चलिए बस ये लाइन्स आना बंद हो जाए नो व्हाइट इज कमिंग आफ्टर दिस क्लास टेक्निकल टीम टू लुक इन इट तो केस वन में हमारे पास क्वेश्चन गिवन था दैट स्ट्रीम ट्वेंटी किलोमीटर इन टू आवर्स टी किलोमीटर इन टू डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 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 तो हमें पता है, आपका जो ट्वेंटी स्पीड आपके पास गिवन है स्पीड आपके पास गिवन है एक्स प्लस वाई और टाइम आपके पास गिवन है दैट इज टू एवरीबॉडी राइट और नॉट बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन एवरीवन सिमिलरली केस टू आ जाएगा यहाँ पर अपस्ट्रीम वाला केस लगा दीजिए स्ट्रीम में भी सेम सिचुएशन बनेगी में स्पीड कितनी है वाई है वो टू किलोमीटर तो 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 बनी वो क्या बन जाएगी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू तो टू एवरीबडी दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन कोई शक कोई प्रॉब्लम कोई डाउट एवरीबडी Sorted है इतना अब आगे बढ़ जाते हैं अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं सॉल्विंग इक्वेशन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जब आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप यहां पर देख सकते हो कैसे हो जाएगा आपका ये इट विल बी एक्स आई डोंट नो वाई दीज लाइन्स आर कमिंग ओके, तो इट विल बी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू वाई से वैल्यू आ गई आपके इक्वल uh, में आपकी एक्स की वैल्यू आ गई दैट इज सिक्स किलोमीटर पर आवर सेम अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी 6 माइनस वाई इज का वैल्यू आ गया 4 किलोमीटर पर आवर एवरीबरी चलो जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को और बताओ सभी को समझ में आया कहीं पर कोई कंफ्यूजन है कहीं पर कोई डाउट है तो बता दीजिए तो हम बोलेंगे स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वॉटर इज सिक्स किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज फोर किलोमीटर पर आवर एवरी जल्दी जल्दी से बता दो समझ में आई बात एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन एनी सॉर्ट ऑफ डाउट वेरी गुड जस्ट यू आपका well. आप लाइक कर, करना नहीं भूलना है और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को Come on. जल्दी जल्दी से ये छोटू सा काम है जो आप लोगों को करना है फट से कर दीजिए आई नोट नो माई पेन इज नॉट वर्किंग अपरली एवरी बड़ी ताकि चलिए कोई बात नहीं आई जस्ट गोना सॉल्व वन मोर क्वेश्चन आई होप इट इज क्लियर इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ईच एंड एवरी आउट देयर तो हम यहां पर लिख सकते हैं स्पीड ऑफ इन स्टिल वाटर लेट मी राइट स्टिल वाटर इज सिक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम Is equal to 4 per hour. Sorted है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ लेटमी रेस दीज लाइन्स इज इट क्लियर टू एवरीबरी हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें कोई डाउट नहीं है एवरी वन जल्दी जल्दी से कंफर्मेशन ऑल राइट

हमने ले लिया लेट द नंबर ऑफ डेज लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन टेकन बाय वुमेन इज इक्वल टू एक्स सेम नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मेन बी वाई डेज एवरीबॉडी तो अगर मैं वर्क डन निकालूं वुमेन का तो कितना हो जाएगा आपने साइंस में पढ़ा है वर्क डन बाय वुमेन विल बी इक्वल टू वन अपॉन एक्स एवरी वन सॉड है वर्क डन बाय विल बी अपॉन अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर वुमेन और कैन टुगेदर फिनिश द वर्क इन फोर डेज टू है एक वुमेन ले रही है वो अपॉन एक्स वुमेन तो दो वुमेन कितना करेंगी अपॉन अगर एक मैन वन अपॉन वाई काम कर रहा है तो पांच मैन कितने करेंगे फाइव अपॉन वाई दोनों को एड कर दो और कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है दैट इज इन फोर डेज समझ में आ रही है सिचुएशन क्या कह रहा है यहाँ पर तो चलो बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चल

Can finish the work in six days. Any confusion? Any confusion? Any sort of doubt, everyone? Any confusion है तो please अभी पूछो मैं अभी आप सभी लोगों का doubt clear करने की पूरी, की पूरी की पूरी कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी से Everybody, come on, come on, come on, faster, everyone। समझ में आया सभी को कोई भी कंफ्यूजन है कोई भी डाउट है थ्री डेज लग रहे थे Just a minute, थ्री डेज सबको है अब क्या करना है वही सेम इक्वल टू इक्वल टू के ये दो चीजें आपने लेट कर लिया बस सॉल्व कर दीजिए कितना हो गया ये टू पी प्लस फाइव क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन फोर थ्री पी थ्री पी प्लस वॉट सिक्स क्यू थ्री पी प्लस सिक्स क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री अब बस आपको इसको सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करेंगे जस्ट मेक द वेरिएबल्स जस्ट मेक दफिशियंट इक्वल तो यहाँ पर अगर मैं थ्री का मल्टीप्लाई और यहाँ पर अगर मैं टू का मल्टीप्लाई कर दूँ तो काफी चीजें सेम हो जाएंगी लेट्स डू इट तो ये कितना हो गया एवरी वन वॉट यू विल बी गेटिंग लेट मी चेंज द कलर ओके

ये आपका q का वैल्यू आ गया अभी आपने q का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है बस अब को करके आप आप p p का का कर लोगे तो तो जब करोगे, आपको मिल मिल जाएगा जाएगा? क्या जब आप पी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा वन अपॉन एटीन और आपने लेट क्या किया था आपने लेट था? Upon X is equal to p. P आप किया था वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी पी का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट किए हैं वन अपॉन एटीन वल टू वन अपॉन थर्टी सिक्स एक्स का वैल्यू आ गया आप सभी के पास एटीन और वाई का वैल्यू आ गया आप सभी के पास थर्टी सिक्स एवरी वन सॉड है क्लियर है कोई कंफ्यूजन है तो हम बोलेंगे हमने और क्या किया था तो चलो बताओ समझ में आई बात या नहीं वुमेन कंप्लीट देयर वर्क इन एटीन डेज वेयर एज मैन कंप्लीट देयर वर्क इन थर्टी सिक्स डेज कंप्लीट देयर वर्क इन एटीन डेज एंड मैन कंप्लीट देअर वर्क कंप्लीट देअर वर्क इन थर्टी सिक्स डेज चलो बताओ सभी को समझ में आई बात कोई कंफ्यूजन है कोई प्रॉब्लम है कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं आई एम देर टू क्लियर अप योर डाउट एवरीबडी कम ऑन आई होप सभी को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई है कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है अगर है तो प्लीज पूछ लो आई एम देयर टू क्लियर अप योर डाउट्स एवरीबॉडी आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन कोई कंफ्यूजन नहीं है वंडरफुल दिस इज ऑल फ्रॉम माई एंड अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्टेड नहीं है किसका इंतजार कर रहे हैं जल्दी से जाइए डू जॉइन द टेलीग्राम विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक यू विल बी फाइंडिंग इन द डिस्क्रिप्शन बिलो इफ यू हैवंट फॉलोड येट ऑन द सीबीएसई स्पेशल इंस्टाग्राम जल्दी से जाओ डू फॉलो अस विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड डू वाचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इट अप वेल सी यू ऑल विद अनदर वीडियो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ मी प्रिया अग्रवाल योर मैथ एजुकेटर साइनिंग ऑफ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन बाय बाय टिलन टेक केयर लॉट्स ऑफ़ लव एवरीबॉडी सी बाय बाय